हेलो एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून व्हाट्सअप क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एम आई ऑडिबल एंड विजिबल एक बारी प्लीज सारे बच्चे आ जाइए और जल्दी जल्दी से बता दो क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ ऑल राइट गाइज तो एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ अपने फोन में कि क्या सारी चीजें प्रॉपर है मेरी आवाज आ रही है दिखाई वगैरह दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ सो लेट मी जस्ट चेक ठीक है जी ऑल राइट तो फटाफट से मेरे सारे बच्चे आ जाओ यार क्लास को जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो योर फ्रेंड्स फटाफट पड़ से क्लास को सारे बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे ओके आई एम ऑडिबल बच्चे बोल रहे हैं तो परफेक्ट है परफेक्ट है ठीक है जी बढ़िया 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 मैम क्लास कितनी लंबी बेटा ये मैं नहीं बता सकती है ना जैसे खाना खाने से पहले हमें नहीं पता होता ना हम कितना खा लेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोटीस हमें नहीं पता होता कि हम कितना खा सकते हैं एक रोटी दो रोटी चार रोटी भाई भूख पे डिपेंड करता है वैसे यहाँ पर बच्चे चैप्टर पे डिपेंड करता है 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 ठीक अब आपको पता है कि हम लोग पूरा पूरा स्नैपशॉट कवर करने वाले हैं तो अब मैं कैसे बताऊँ बताओ क्लास कितनी देर चलेगी हाँ गुड आफ्टरनून वॉइस लो है प्रियांशी बोल रही है यार वॉइस लो तो नहीं होनी चाहिए माइक बिल्कुल यहीं लगा रखा है बट और ऊपर अभी कर लेते हैं इसको एक सेकेंड देना चलिए अभी ठीक है अभी ठीक है मेरी <coughs> okay तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को एक बारी फटाफट -फड़ से बता देती हूँ अगर आप सभी बच्चे आए हैं तो इसका मतलब ये शोर है कि आप लोग ऑब्वियसली पढ़ना चाहते हो है ना इंग्लिश को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहते हो चलो तो शुरू करने से पहले बस मेरा एक ही क्वेश्चन है यार तुम सबसे अब इलेवें तुम्हारी खत्म होने वाली है ट्वेल्थ में किससे पढ़ोगे इंग्लिश हाँ जी जल्दी जल्दी बस इस क्वेश्चन का आंसर करते ही हम क्लास को शुरू कर देने वाले हैं। ट्वेल्थ <coughs> में क्या प्लान है कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने टेंथ में भी मुझे से पढ़ी इलेवेंथ में भी मुझे से पढ़ी हाँ दो साल हो गए हैं उन्हें और मेरे को साथ में तो ट्वेल्थ में क्या प्लान है फटाफट से बता दो जल्दी जल्दी से एंड ऑल्सो यार क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ भी अगर आपकी छुट्टी है तो मतलब आपके फ्रेंड्स की भी छुट्टी होगी राइट तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से बहुत मजा आने वाला है हमें आज की मैराथन में हां जी सो क्लास ट्वेल्थ भी आप लोग मुझे से पढ़ने वाले हो ठीक है तो मैं आपको इस चैनल पर क्लास ट्वेल्थ का कंटेंट भी देने वाली हूँ लास्ट ईयर मैं वो नहीं दे पाई थी क्योंकि अभी छः महीने हुए हैं चैनल को शुरू हुए हुए

आज कराने वाली हूँ स्नैपशॉट का एक एक चैप्टर मैं आपको आज कराने वाली हूँ इसी के साथ क्लास के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैक्सिमम बच्चे हैं वो मुझसे बोलते हैं है, मैम कोई टिप्स दे दो कुछ ऐसा दे दो जो हम यू you नो know, पढ़ जाए और हमारे पेपर में आ जाए तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैंने प्लान किया है जो कि मैं आपको लेक्चर के एंड में बताने वाली हूँ ठीक है जी सबको समझ में आया तो मतलब ये क्लास आपको एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों जरूरी है नंबर आपको पूरा हॉर्नबिल और स्नैपशॉट इस क्लास में मिलने वाला है एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाने वाली दी एडवेंचर और सिल्क रोड जैसे चैप्टर जो बहुत ज्यादा बड़े हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चे को उसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ा दूंगी बिल्कुल भी नहीं तो मैं डिटेल में आपको वो चैप्टर भी समझाने वाली हूँ एक तो आपका सबसे क्विक रिविजन हो जाएगा अभी है ना दो से ढाई घंटे में दो तीन घंटे के अंदर अंदर आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स का जिसमें हॉर्नबिल भी हो जाएगी स्नैपशॉट भी हो जाएगी ठीक है और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जो मैं क्लास के एंड में रिवील करने वाली हूं ठीक है चलिए ऑल राइट हां बेटा उजाला साहू अगर आप किसी भी बोर्ड के हो और आपके बोर्ड में एन सीई आर टी लगी हुई है यानी कि ये चैप्टर्स पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी देख लो अगर आपकी बुक में है तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए अप्रोप्रिएट है आपके लिए ये क्लास सही है शुरू करें अब अगर सारे बच्चे रेडी हैं तो प्लीज फटाफट से मुझे लिख दीजिए यस मैम वी आर रेडी और फिर हम हाई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं जल्दी जल्दी और ग्रामर और राइटिंग की टेंशन मत लेना क्योंकि उसके लिए भी मैंने चीजें प्लान आउट कर रखी हैं परसों आपकी फुल ग्रामर और फुल राइटिंग की क्लास है मेरे साथ ठीक है तो उसकी टेंशन मत लेना अभी के लिए हम लोग लिटरेचर पे फोकस करने वाले हैं ठीक इस मैराथन के अंदर तो यार एक बार फटाफट -फड़ से रेडी लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों का अटेंशन मेरी तरफ है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं ठीक है जल्दी जल्दी रेडी लिख दो All right. सारे बच्चे तैयार है सारे बच्चे रेडी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस अरे बेटा राजन चलिए शुरू करते हैं तो यार देखो सबसे पहले हमेशा हम हॉर्नबिल से शुरू करते हैं इस बार ही हम लोग स्नैपशॉट से शुरू करने वाले हैं ठीक है तो स्नैपशॉट से हम लोग शुरू करेंगे स्नैपशॉट के सारे चैप्टर्स हम लोग देखने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स मदर्स डे बर्थ टेल ऑफ मेलेन सिटी तो शुरू करते हैं सबसे पहले उल्टा टेल ऑफ मेलेन सिटी से क्या होता है ना मैं बताती हूँ देखो पढ़ने की ना टेक्निक होती है हम लोग हमेशा ना स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं है ना द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से ही पढ़ते हैं या हम हॉर्नबिल में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से ही शुरू करते हैं तो हमेशा ना एक वो फ्लो सा बना रहता है कि अरे अभी तो ये आएगा यह आज हम शुरू करेंगे सबसे फनी चैप्टर से, से द टेल दिलन सिटी तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा और मुझे बताते रहना समझ में आ रहा है क्या नहीं ठीक है So, चलो इसको शुरू करते हैं अब ये जो टेल ऑफ मेले है ना ऑब्वियसली है अब भाई यहां पर जैसे आपके क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर था ना इन द किंगडम ऑफ फूल्स आपको याद है हां जी यार देखो ये चैप्टर अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में आ रहा है इसीलिए इसको कराने में पांच मिनट लगेंगे तो सुन लो ठीक है तो किंगडम ऑफ फूल्स जैसे आप लोगों को याद था ना बिल्कुल सारे के सारे बेवकूफ लोग हैं राइट वैसे ही यहां पर भी टेल ऑफ मेलन सिटी में लोग हैं यहाँ पर इतने बेवकूफ लोग हैं कि एंड चैप्टर के एंड में एक मेलन को ये लोग राजा बना देते हैं अब ये कैसे हुआ हम लोग देखते हैं देखो द तो बिगिंस तो शुरुआत होती है एक डिस्क्रिप्शन के साथ जिसमें एक राजा के बारे में बताया जाता है ठीक है तो राजा ना बहुत ही ज्यादा काइंड होता है बहुत ज्यादा दयालु होता है अपने जस्टिस के लिए, के लिए लिए न्याय जाना जाता है कि भाई ये राजा ना किसी के साथ गलत नहीं करेगा ये राजा तो सबके साथ अच्छा करेगा अब अब राजा ऑर्डर देता है कि सुनो भाई एक आर्क बन अब आर्क बनवाई जाए क्या होता है आपने देखा होगा जब भी आप नए इलाकों में घुसते हो नए राज्यों में घुसते हो तो इस टाइप का एंट्रेंस देखा है ऐसे बना होता है लिखा होता है स्वागत है आपका फलानी जगह पे राइट तो यहाँ पे राजा क्या हुक्म देता है कि भाई हमारे राज्य के बाहर भी जो लोग अंदर आए ना तो एक आर्क बनी होनी चाहिए ठीक है भाई तो अब क्या करता है जो लोग है वो आर्क को बना देते हैं जब वो बन जाती है तो वो उसके उद्घाटन के लिए जाता है अब वो जैसे ही जाता है इट हिट हेड एंड डाउन इट वॉज बिकॉज इट इट वॉज बिल्ट टू लो अब क्या होता है वो जैसे ही घुसता है ना उसका जो क्राउन है वो नीचे गिर जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जिन्होंने बनाई होती है ना ये थोड़ी कम हाइट की बना दी होती है। नीचे बना दी दी होती होती है है नीचे अब नीचे बने होने के कारण राजा जब इसमें घुसता है तो उसका जो ताज है जो क्राउन है वो नीचे गिर जाता है समझ में आया द किंग थॉट इट वॉज डिस अब राजा को लगता है इतने सारे लोगों के आगे यार ये तो मेरी बेस्ती हो गई ये तो मैं सहन नहीं कर सकता एंड दस कमांडेड दी सीधा क्या ऑर्डर दे देता है ना यानी कि जो है, जो है, जो ने ये बनाया है बिल्डर्स ने, उनका जो है ना उसको फांसी पे चढ़ा दो समझ में आया क्या बोलता है उसको फांसी पे चढ़ा दो दीफ ऑफ बिल्डर्स पुट द ब्लेम अब सारे के सारे लोग दर, दर, मतलब डर जाते हैं वहां पर तो चीफ ऑफ बिल्डर आता है अब वो जो चीफ है वो पूरा का पूरा ब्लेम किस पे डाल देता है ब्रिक्स पे डाल देता है ठीक है बोलता है कि भाई ये ना हमारी गलती नहीं है ये तो ईटो की गलती है ये जो ईट बनाने वाले ना उन्होंने आड़ी तेड़ी बना दी होगी जिसकी वजह से जो आख है वो सही से बिल्ड नहीं हो पाई अब किंग क्या करता है मेसन को बुलाता है कि ठीक है भाई वाले को लेकर आओ उसको फांसी पे चढ़ाएंगे ठीक है वो क्या करता है वो भी आता है डर के और वो सारा का सारा ब्लेम आर्किटेक्ट पे डाल देता है कि अरे, अरे अरे मेरी गलती नहीं है जिसने ये प्लान आउट करी है चीजें है ना ये उसकी गलती है जिसने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया आर्किटेक्ट ने ये उसकी गलती है उसी की प्लानिंग में कोई कमी रही होगी ठीक है अब आगे क्या होता है लेट सी द आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट तो उसे लेकर आया जाता है कि हाँ भाई तूने ऐसी आग क्यों बनवाई ठीक है तेरे कारण राजा की बेजती हुई है अब अपन तेरे को फांसी पे चढ़ाएंगे आगे क्या होता है वो क्या करता है इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आग वो राजा पे ही ब्लेम डाल देता है बोलता है देखो ये मेरी गलती नहीं है राजा जी ये तो आप ही की गलती है लास्ट नाइट में आपके पास आया था आपको पूरा प्लान दिखाने आप ही ने उसमें कुछ कुछ चेंजेस कराए थे अब क्योंकि आप ही ने उसमें कुछ कुछ चेंजेस कराए थे तो इसीलिए गलती आप ही की हुई द सेट किंग प्ले मतलब काम किंग के बहुत ज्यादा कामनेस के लिए जाना जाता है अपने जस्टिस के लिए जाना जाता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना और जितनी वहां पर जनता होती है जितनी वहां पर ऑडियंस होती है वो भी अब इम्पेशेंट होती है वो बोलती है यार किसी को भी चढ़ाओ चढ़ाओ ठीक है कि भाई हमें तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए किसी को भी फांसी पे चढ़ाओ चढ़ाओ यार इतनी देर हो गई कोई फांसी पे ही नहीं चढ़ रहा है हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ तो वो भी इनपेशेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो राजा क्या ऑर्डर करता है डिमांड्स फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री टू बी ब्रॉड टू द रॉयल कोर्ट ठीक है क्या बोलता है कि जो भी समझदार आदमी है ना हमारे कंट्री में उसको लेकर आओ सबसे ज्यादा वाइजेस्ट सबसे ज्यादा समझदार उसे उठाकर हमारे यहाँ कोर्ट में लेकर आओ वो डिसाइड करने में मदद करेगा कि किसको फांसी होनी चाहिए अब क्या होता है दे ब्रॉड द वाइजेस्ट मैन अब जैसा राजा उसके जो तो नीचे काम करने वाले वो भी वैसी वो वाइजेस्ट की जगह उन्हें लगता है वाइजेस्ट तो सबसे ज्यादा वही होगा जो सबसे ज्यादा बुढ़ा है

और वो क्या निर्णय देता है वो बोलता है देखो राजा जी किसी की गलती नहीं है ये इस आग की ही गलती है है ना आपका सर इसी से लगा आपका जो ताज था वो इसी के कारण गिरा तो इसी की गलती है इसी को चढ़ा दो फांसी पे ठीक है King's head. अब क्या बोलता है जैसे ही सब निर्णय हो गया डिसाइड हो गया ठीक है भाई आग को चढ़ा देंगे आज तो फांसी पे तो मिनिस्टर बोलता अरे अरे भाई ये तो बड़े अपमान की बात है जिस चीज ने हमारे राजा का सर छुआ तुम उसे ही फांसी पे चढ़ा दोगे बताओ यार करे तो करे क्या है ना तो बोल रहा है भाई जिस चीज ने हमारे राजा के सर को टच करा हमारे राजा का सर इससे टच हुआ ना दीवार से तभी तो क्राउन नीचे गिर गया तो आप इसी को फांसी पे चढ़ा दोगे भाई ये तो बहुत गलत है हाँ। वो नहीं होती जैसे क्लास टेन चैप्टर में भोली थी भोली की एक आंटी थी पीछे से देखो देखो कितनी बेशर है होती है ना मोहल्ले की आंटिया जो पीछे खड़े होकर केवल आग लगाने का काम करती है हाँ, हाँ, देखो, उसने तो स्कर्ट पहना है है हाँ ना ऐसे टाइप की होती है ना आंटी हाँ, हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो अपमानजनक बात हो जाएगी अब इतने में भीड़ जो है ना वो अब रेस्टलेस हो जाती है मतलब कि उन्हें बेचैनी होने लगती है भाई देखो किसी को तो चढ़ाओ फांसी पे बहुत हो गया तुमसे नहीं निर्णय लिया जा रहा तो किंग अब किंग अब बोलता है देखो मैंने ऑर्डर दिया है कि कोई तो फांसी पे चढ़ेगा तो चढ़ेगा ही ये जो छोटी बातें है किसे चढ़ना चाहिए ये डिसीजन हम बाद में ले लेंगे अभी हम चढ़ा देते हैं सोचो किंग क्या बोल रहा है भाई फांसी पे चढ़ा देते देखी जाएगी बाद में है ना किसको चढ़ाना था किसको नहीं Therefore, कर, दिया, जो का होता है ना, वो कर ली फंदा तैयार कर लिया बोला गया जो इसमें बाद में देखा जाएगा किसकी गलती है किसकी नहीं है तो अब एक एक करके लोगों को बुला रहे जितने लोग है वहां पर देखो भाई तुम में फिट हो रहा है तुम में फिट हो रहा है तुम... किसी में भी गले में वो फिट नहीं हो रहा ऑल वर मेजर ओनली वन टू फिट वॉज द किंग

कि राजा तो मर गया राजा को फांसी पे चढ़ा दिया वहां पे कोई राजा ही नहीं है है ना काफी टाइम हो गया राजा ही नहीं है और उनका ना एक एक नियम था ये लोग राजा को कैसे इलेक्ट करते थे कोई कोई वोट नहीं होता था है ना अच्छा काम बुरा काम कोई मैटर नहीं करता बोला है जो अगला बंदा हमारे गेट से पास करेगा उससे पूछेंगे राजा किसे बनना चाहिए जिसे वो बना देगा वो हमारा राजा बन गया ये उनका ट्रेडिशन था वहां का अब जो अगला बंदा पास किया वो था फूल वो था बेवकूफ वो ना हर बात पे जवाब देता था मेलन उसे मेलन बहुत पसंद था उसे हर बात पे हर बात पे मेलन बोलता था वो तो इससे पूछा गया कि हाँ भाई इधर आ कौन बनेगा राजा कहता मेलन ठीक है तो क्या हुआ द मेलन वॉज गिवेन द थ्रोन तो मेलन को राजा बना दिया गया अब मेलन तो ना बोल सकता है जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है तो प्रजा भी खुश है कि भाई हमारा राजा तो बहुत अच्छा है जिसके मन में जो आ रहा है हम तो वही कर रहे हैं

तो ना वो पढ़ाने का ना मन जो है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे दिखते ही नहीं है तो एटलीस्ट जब चैप्टर एंड हो ना तो अंडरस्टूड मैम या मैम yes, बोल दिया करो सो so दैट मुझे लगे कि हाँ यार मैं थोड़े बच्चों को तो पढ़ा रही हूँ मतलब बच्चे तो हैं लाइफ में ऐसा कि कोई तो पढ़ रहा है वैसा वाला ठीक है अभी क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं मैं बताऊंगी आपको चैप्टर्स के एंड में तो अभी के लिए क्वेश्चन आंसर्स की जो टेंशन है ना उसे थोड़ी देर के लिए आप लोग साइड में रख दीजिए और अभी के लिए पूरा का पूरा फोकस करिए चैप्टर्स को समझने का ठीक है देखो स्टेप बाय स्टेप ही होगा एक साथ हम लोग सारी चीजें नहीं कर सकते तो स्टेप बाय स्टेप आज लिटरेचर का पूरा टेंशन सॉल्व हो जाएगा परसों आपके ग्रामर और राइटिंग का पूरा टेंशन सॉल्व हो जाएगा ठीक है ओके नोट मेकिंग का भी हो जाएगा तो इसीलिए परेशान नहीं होना है अभी के लिए फोकस करना है क्लास पे चलो Alright, alright. Just give me a second. ऑल राइट तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ठीक है जिसका नाम है बर्थ अब यार बर्थ ना सीता से लिया गया है दिस रिवॉल्स अराउंड एंड्रयू मैनसन ठीक है यहाँ का एक मेन कैरेक्टर है जो आप लोगों को याद रखना है उसका नाम क्या है सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे ठीक है एंड्रयू उसका नाम है और उसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है तो सारे बच्चे एक बारी फटाफट से स्पैम कर दो बेटा लेजस होता है बेसिकली अलाउ टू डू समथिंग ठीक है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ है उनको एक तरीके से ग्रो करने देना विदाउट द इंटरप्शन ऑफ गवर्नमेंट सो उसका लिटरल मतलब देखोगे तो होता है अलाउ टू डू ओके मैं उसको माइक को हाथ में ही ले, ले लेती हूँ अगर आवाज नहीं आ रही ठीक है चलो तो अभी क्या है कि ये जो एंड्रयू है ना ये अभी अभी मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है एंड यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है ये है ना अभी अभी इसने यू नो you know, अपना डॉक्टर वाली जो प्रैक्टिस है उसको करना शुरू करा है और अभी अभी इसके कंधों पर कितनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो एक कपल होते हैं जिनका नाम होता है जो एन सुजैन तो इनका जो बच्चा है वो दुनिया में लाने में कैसे ये मदद करता है कैसे अपना एफर्ट मारता है जबकि इसकी खुद की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही होती है ठीक है यानी कि क्रिस्टीन तो इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है क्रिस्टीन तो अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा लड़ाई के बाद इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद अपने रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन के बाद भी ये कैसे अपना फर्ज निभाता है इसके बारे में ये चैप्टर है ठीक है जी चलो so शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर एंड्रयू क्या कर रहा है अपने घर की तरफ आ रहा है अब क्यों इसकी लड़ाई हुई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमें नहीं पता ना एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं लड़ाई के हमें नहीं पता बट हमें इतना पता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और उसके साथ इसका जो टाइम था वो अच्छा नहीं बीता मे बी इनकी आर्ग्यूमेंट हो गई तो तो लड़ाई हो हो गई कुछ भी हो गया तो इसका मूड खराब था और ये अपने घर वापस आ रहा था अपॉन रीचिंग होम अब वो मिड नाइट यानी कि आधी रात के आसपास वो अपने घर के सामने पहुंचता है एंड्रयू और जैसे ही बच्चों वो अपने घर के सामने पहुंचता है He finds Joe Morgan outside his house waiting for him. वो क्या देखता है और बहुत ज्यादा टेंशन में है ना उसका ऐसे वेट कर रहा है कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है तो एंड्रू आ रहा है सामने से और वो देख रहेन खड़ा है कि अरे सामने ही जो और उसका वेट कर रहा है अब वो क्यूँ खड़ा है क्योंकि उसकी जो बीवी है सुजैन वो प्रेगनेंट है उसको बच्चा होने वाला है और वो बहुत पेन में है So, 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 जैसे एंड्रू अपने घर की तरफ आता है तो उसे बताता है जो कि, देखो यार, मेरी बीवी जो है ना वो बहुत ज्यादा पेन में है मे बी जो बच्चा है वो डिलीवर होने वाला है तो हमें आपकी जरूरत है आप प्लीज हमारे साथ चलो तो फटाफट जो एंड्रयू है उसने रेस्ट भी नहीं किया होता वो फटाफट से अपना बैग लेता है और चला जाता है अब जब ये जो और सुजैन के घर पहुंचता है तो जो क्या बोलता है कि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है अंदर जाने की मैं बहुत डरा हुआ हूं मैं बाहर ही वेट करूंगा आप अंदर जाओ मेरी जो बीवी है वो अंदर ही है और उसकी जो मम्मा है जो बीवी की मम्मा है वो भी अंदर है तो आप देखो आप क्या कर सकते हो एंड प्लीज मुझे पता है आप अपना बेस्ट करोगे ठीक है तो अब क्या होता है ही रियलाइजेज देयर इज स्टिल सम टाइम लेफ्ट वो जाता है घर के अंदर और वो देखता है कि अभी भी टाइम है अभी डिलीवरी में है ना तो उसे लेबर पेन बोलते हैं अगर आप लोगों ने देखा हो मूवीज में या पढ़ा हो इसके बारे में तो जब भी बच्चा डिलीवर होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले मम्मा को पेन होना शुरू हो जाता है है ना तो उसके बाद बच्चा जो है वो डिलीवर होता है तो अभी भी उसने देखा कि यार नहीं अभी तो टाइम है थोड़ा सा अभी और देर लगेगी तो उसने क्या करा वो नीचे आके बैठ जाता है बेडरूम ऊपर होता है वो नीचे आके बैठ जाता है सुजैन मदर हु इज वाइज बट टेंस एट द मोमेंट ऑफर्स हिम सम टी अब सुजैन जो प्रेग्नेंट है उसकी मम्मा आ रखी है उसके घर पे ताकि टेक केयर करे तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी है समझदार भी है तो वो क्या करती है डॉक्टर को चाय ऑफर करती है ताकि डॉक्टर वापिस अपने घर ना चला जाए कि हाँ भाई डॉक्टर ने देख लिया कि अभी तो बच्चा होने में टाइम है मैं चलो टाटा भाई बहन में बाद में आऊंगा तो वो ऐसा नहीं चाहती वो चाहती है डॉक्टर उनके घर पे ही रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है मीन तो वाइल अब टाइम बिताने के लिए क्या करे वो चाय ऑफर कर देती है कि मैं आपको चाय देती हूँ वाइल ही सिपिंग द टी ही बिगेन्स थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड अब जब वो चाय पी रहा है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में दोबारा से सोच में डूब जाता है कि क्या चल रहा है कैसा है क्या नहीं है ठीक है तो वो सारी चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है अब सोच सोच में वो ये भी सोचने लगता है हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग अ हार्ड टाइम इन देयर रिलेशनशिप कि कैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं है ना उनका भी रिलेशनशिप ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है सही नहीं चल रहा है हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं एंड हर रिलेशनशिप में अपनी बुराईया और अच्छाइया होती है तो वो ये सारी चीजें सोचने लगता है ऑन दी अदर हैंड ही फील्स दैट मैरिज इज मेंट टू बी समथिंग पीसफुल एंड चेयरफुल और उसे क्या लगता है उसे लगता है एक तरफ मेरे जो दोस्त हैं उनकी शादी भी सही नहीं चल रही किसी की बीवी शक करती है किसी की बीवी छोड़ रही है किसी का पति चीट कर रहा है है ना तो वो बोल रहा है यार मैरिज तो ऐसी होनी चाहिए ना कि सब अच्छा हो पीसफुल हो कामनेस हो तो उसके दिमाग में ये सारे थॉट चल रहे हैं जब वो चाय पी रहा है

तो बहुत मिन्नतों के बाद ये बच्चा मिल रहा है और अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सब बहुत ज्यादा डर रखे हैं अब क्या होता है वो लोग ऊपर जाते हैं ठीक है एंड फाइनली वो अपना जो प्रोसीजर है शुरू करता है बट द चाइल्ड इज बोर्न लाइफलेस बच्चा पैदा होता है वो सांस नहीं ले रहा जैसे थ्री इडियट्स मूवी में होता है देखा होगा लास्ट में बेचारा हर पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं वो लोग है ना वीडियो कॉल कर रहे हैं लाइट नहीं है सारी चीजों का जुगाड़ कर रहे हैं और फाइनली बच्चा पैदा हुआ तो कैसा लाइफलेस उसमें जान ही नहीं है तो सोचो कितनी ज्यादा सैड बात है ये राइट अब आगे क्या होता है चाइल्ड और द मोम एक तरफ मॉम भी बेहोश है उसको तो वो भी बेहोशी में है उसकी भी हालत क्रिटिकल है और एक तरफ बच्चा जो है वो भी लाइफ लेस है उसकी भी जिंदगी दोनों डॉक्टर को ही बचाने का ट्राई करना है तो वो बहुत ज्यादा कन्फ्यूज है एक तरफ दिखाए मेंटल प्रेशर के कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चीजें खराब है एक तरफ उसको बच्चे पे ध्यान देना एक तरफ उसको माँ पे ध्यान देना है तो वो क्या करे दोनों चीजों के बीच में नाउ दो चीजों में कंफ्यूज हो मान लो हमें कोई चीज नहीं आ रही पेपर का ले लो है ना मान लो कि हमें कोई चीज नहीं आ रही और हम क्या कर रहे पैनिक होना शुरू कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के कि अरे यार मेरे को तो नोटमेकिंग भी नहीं आ रहा अरे यार मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा मैं क्या करू क्या अब इस समय क्या होगा कि आपको जितना आता है वो भी नहीं कर पाओगे तो आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां आप पैनिक कर रहे हो जहां पर आपको एंजाइटी हो रही हो जहां पर आप डाउन जा रहे हो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज काम डाउन ठीक है आपको खुद को थोड़ा सा चिल करना है कि अरे यार रुक एक टाइम पर आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो राइट वन थिंग एट अ टाइम अगर आप अभी से सोच लो कि अरे ये है वो है फलाना है ढिमकाना है तो नहीं हो पाएगा सो वन थिंग एट अ टाइम पे आपको फोकस करना है पर भी ये क्या करता करता है? है पहले को डिसाइड कि मैं पहले माँ को बचाता हूँ बाद में मैं बच्चे को देखूंगा सो ही इंजेक्टेड हर विद्यू मेडिसिन चाइल्ड तो वो वो क्या करता है इंजेक्शन वगैरह लगाता है मम्मी की टेक केयर करता है जब उसको लगता है कि हाँ मॉम इज नाउ ओके अब वो खतरे से बाहर है तो वो अपनी पूरी अटेंशन बच्चे के ऊपर देता है इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप बच्चे तक ऑक्सीजन ना पहुंचा हो एंड ड्यू टू दैट रीजन बच्चा लाइफलेस पैदा हुआ हो ठीक है तो उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये किसका केस है रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई का एंड वो नर्स को क्या बोलता है कि तुम फटाफट से जाओ एक

अपने सारे एफर्ट्स करने के बाद अभी भी बच्चा लाइफलेस ही पड़ा होता है All others had already lost hope. सुजैन की मम्मी सारे होप खो चुकी होती एक ही जगह खड़ी होती है नर्स के तो पहले ही होप खो चुके होते हैं तो किसी में भी होप नहीं बचा होता कि बच्चा बचेगा बट वो क्या कर रहा है अभी भी डॉक्टर जो है वो प्रोसीजर्स में लगा हुआ है कॉन्टिन्यू कर रहा है अपने प्रोसीजर्स को यार नहीं करना तो है फाइनली चाइल्ड तो फाइनली क्या होता है बच्चे को सांस आती है सारे के सारे लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं सरप्राइज हो जाते हैं कि वाव, ये तो कोई मेरे words of prayer while holding the child. The grandmother was also praying while Suzanne still सुन unconscious. मम्मा अभी भी unconscious थी एग्जॉस्टेड अब यू मतलब बहुत टायर्ड यार इतनी पूरी रात का वो सोया नहीं है इतना थक गया है इतना मेंटल स्ट्रेन झेलने के बाद अब क्या करता है वो अपने घर के लिए निकलता है जैसे ही बाहर आता है तो जो खड़ा होता है उसको बोलता है कि सब ओके okay है जाओ अपनी बीवी के पास जाओ While ही वॉज वॉकिंग होम एट अराउंड फाइव इन द मॉर्निंग सुबह के पांच बज चुकी होती है सोचो पूरी रात उसकी वही बीती होती है तो सुबह के पांच बजे वो अपने घर जा रहा होता है एंड हिज हार्ट वॉज फुल अकम्पलिश समिंग रियल इन लाइफ और उसको कैसी फील आ रही थी कि उसने कुछ रियल कोई रियल चीज उसने अपनी लाइफ में अचीव करी है ना भाई कुछ तो आज उसने उखाड़ा है उसको वैसी फील आ रही थी ठीक है बच्चों सो आई होप दैट्स क्लियर नाउ लेट्स मूव टू मदर्स डे इज इट क्लियर एवरी वन गाइज येस और नो जल्दी से बताओ प्लीज इज इट क्लियर या तो मेरे सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं दोनों में से कौन सी चीज करेक्ट है एक बारी फटाफट फड़ से बता दो लिख दो कमेंट में मैम सो रहे हैं या मैम हम पढ़ रहे हैं नहीं तो सब पढ़ रहे हैं नहीं तो सब सो रहे हैं दो चीजें हो सकती हैं ऑल राइट right. ठीक है चलो अब नेक्स्ट चलते हैं मदर्स डे पे ये क्या है ये प्ले है और इस प्ले में दिखाया गया कि कैसे हम लोग मदर्स को ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ में आप लोग लेते हो कि नहीं बताना एक बार ऑनेस्ट रिएक्शन देना मेरे को जरा फटाफट -फड़ से आप लोग लेते हो अपनी मदर्स को फॉर ग्रांटेड कौन कौन लेता है भाई जल्दी बताओ ठीक है बेटा किशन कल एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट वेरी नाइस हाँ पीडीएफ वगैरह मैं दूंगी मैं बता तो रही कि क्लास के एंड तक रुको अभी क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे ठीक है कहाँ मिलेंगे मैं बताऊंगी कैसे मिलेंगे ये भी बताओ अभी तो तुम सब नो बोलोगे बट तुम लोग लेते हो सब लेते हैं कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड कह रहे है कर लेंगी रात का खाना बना लेंगी खाना क्यों नहीं बना राइट right? कपड़े हैं अरे धो देगी है ना कि अरे मम्मी है कर लेंगी सैडली यस बिकॉज और ये ना खाली मम्मी के साथ नहीं है ये मुझे लगता है लेटर इन लाइफ हर फीमेल के साथ हो जाता है क्योंकि फीमेल्स क्या होती है मेल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉफ्ट नेचर की होती है एक्स्ट्रा ख्याल रखती है लोगों का तो चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी वाइफ हो फिर आगे चलकर आपकी मदर हो क्या होता है हम सबको फॉर ग्रांटेड ही लेने लगते हैं अरे ये कर रही है तो ये तो इसका फर्ज है ये इसलिए कर रही है हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते फॉर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग फॉर हम अपनी लाइफ में इन डाल जो हैं ना आएंगे कपड़े उतारेंगे फेंक देंगे इधर अरे भाई उठा के भी रख दो ना एक अलग से नौकर थोड़ी चाहिए रखने के लिए ना आएंगे शूज फेंक देंगे सॉक्स उतारेंगे रख देंगे वॉशिंग मशीन में डाल देंगे अरे कभी संडे को वॉशिंग मशीन चला कर थोड़ा सर्फ भी डाल दो ना है ना बर्तन करेंगे ऐसी फेंक देंगे अरे यार अपनी प्लेट खाई है तो धोकर रख दो ना बेसिक एडिकेट्स दो मिनट ही लगते हैं जितनी देर में आप बर्तन रख के बाहर जाओगे उतनी देर में आप धो दो दोगे बट इतना थॉटफुल कोई नहीं होता कुछ ही लोग होते हैं सारे लोग नहीं होते राइट सो यहाँ पर भी यही चीज इस प्ले में दिखाई गई है कि कैसे इनका पति और बच्चे माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड फिर मम्मी इनको मजा चगाती है ठीक है तो इस प्ले के अंदर क्या है इस प्ले के अंदर पांच मेजर कैरेक्टर्स है मिसेस एनी पियर्सन जिन्हें फॉर ग्रांटेड ले रखा है लोगों ने इनका पति है जॉर्ज पियर्सन इनका बेटा है सोरेल एंड इनकी डॉटर है है डोरेस ठीक अब इनकी एक नेबर है जिसका बहुत बड़ा हाथ है इस प्ले के अंदर वो है मिसेस फिट्स ठीक है कैसे मिसेस फिट्स मिसेस पियर्सन की हेल्प करती है उनको अपनी फैमिली में सही प्लेस दिलवाने में ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सो so, शुरू करते हैं फटाफट फड़ से अब ये जो प्ले है ये जेबी प्रिस्ली ने लिखा है एंड ये रिवील करता है हाउ अ मदर्स एफर्ट अच्छा ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको अपने पेपर में आंसर्स की तरह भी यूज कर सकते हो तो प्लीज इस लाइन को याद कर लीजिएगा ठीक है याद करके एज इट इज आप लोग डिक्टो टेप कर आ सकते हो कभी-कभार थीम वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है इसीलिए बोल रही हूं ठीक है so, सो

हाँ ना कभी 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 ये ये कर कर दो कभी वो कर दो वो कभी कभी वो फलाना ढिमकाना या फिर पूरे संडे भी काम लगा रहता है राइट इवन संडे को ज्यादा काम हो जाता है आलू के परांठे खाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे जो पूरी की पूरी फैमिली अपने मदर के एफर्ट्स को इग्नोर करती है फॉर ग्रांटेड लेती है आफ्टर ऑल शी फॉर देम दे टेक हर फॉर ग्रांटेड दे मेक हर फील ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर देम उन्हें ऐसा फील कराती है कि ये तो आपका कर्तव्य है अरे भाई क्यों कहा लिखा है शादी करके आने के बाद कर्तव्य ही है कि बिल्कुल यू you नो know, घिस जाओ कहां लिखा है राइट right? बट अगर कोई कर रहा है तो हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं मानते हैं एंड डू नॉट इवन एप्रीशिएट हर एफर्ट्स इट रिवॉल्व अराउंड हाउ हर फ्रेंड मिसेस फिट्स हु इज द फॉर्च्यून टेलर हेल्प्स हर अर्न द प्लेस एंड रिस्पेक्टर्व एज द वुमेन ऑफ हाउस ठीक है जी शुरू करते हैं बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि प्ले किस बारे में है अब हम देखते हैं कि प्ले के अंदर क्या क्या बातें हो रखी है अब ये जो प्ले है ये शुरू होता है दो फ्रेंड्स के साथ तो दो फ्रेंड्स मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्स बैठ के कैंडिड लेवल पे कॉन्वर्जेशन अपना कर रही होती हैं ठीक है कहाँ पे बैठी होती हैं मिसेस पियर्सन के घर पे बैठी होती हैं अब मिसेस फिथ्स जो है वो मिसेस पियर्सन को उनका जो भविष्य है जो किस्मत है जो फॉर्च्यून है वो बता रही है और उनपे एडवाइस भी दे रही है ठीक है अब मिसेस पियर्सन क्या करती हैं अब अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है उन्हें कैसा फील होता है वो बोलती है हाउ हर फैमिली मेंबर्स डोंट वैल्यू हर एंड डोंट अप्रिशिएट वट एवर शी फॉर देम तो अपनी फ्रेंड के साथ बताती है कि यार फिथ तेरे को पता है मतलब जो मेरे फैमिली मेंबर्स है ना मेरे को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते है ना मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते मेरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते नथिंग अब क्या होता है

Uh, तो वो क्या बोलती है कि तुम कौन हो वुमेन ऑफ दी हाउस हो भाई तुम्हारा भी कोई रुतबा है बट मिसेस पियर्सन बीइंग द स्वीट एंड इनोसेंट लेडी होती है ना कुछ कुछ uh, मम्मिया बहुत ज्यादा स्वीट होती है ओवर स्वीट होती है हमारी मम्मी ऐसी नहीं ना मेरी मम्मी तो सीधा बोलती है, हाथ तोड़ दूंगी हा ना तो कुछ कुछ मम्मिया पहले के टाइम पर होता था मुझे लगता है कि ये जो हमारी मम्मिया है ना ये लास्ट जेनरेशन है ऑफ बीइंग सुपर स्वीट वरना जो आगे वाली जो अब मम्मिया है ना जैसे कि हम लोग हो गए आगे हो गई आगे हो गई वो थोड़ी सी तो अपने लिए ले स्टैंड लेंगे ऐसा मुझे लगता है राइट बट स्वीट तो रहेंगी क्योंकि मम्मियां तो यहाँ पर क्या है कि मिसेस प्योर्सन बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्वीट है इनोसेंट है वो चाहती नहीं किसी भी तरीके का डिसकंफर्ट मैं मेरी फैमिली को यहां पर दू ठीक है तो वो कुछ नहीं बोलती है शी कंटिन्यूस टू हैंडल देर टैंट्रम्स उनके सारे नखरे वखरे सब झेलती रहती है बिकॉज शी डेंट नो वेयर टू बिगिन मेन इट कम्स टू मेकिंग डिसिप्लिन बोलती यार मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँ क्या ही बोलू मैं घर में लड़ाई होगी फलाना होगा मेरे को नीचे ये सब है ना तो वो ऐसे करके बोल देती है

क्योंकि शक्ल तो तेरी रहेगी ना उन्हें लगेगा कि तू ही है अंदर मैं आऊंगी मैं उन्हें सबक सिखा दूंगी तेरे बस की कुछ नहीं है और तू मेरी बॉडी में आ जाएगी बस मेरे घर पे जाके चिल करियो तो अभी क्या होता है शी इज हेजिटेंट फर्स्ट पहले उन्हें थोड़ी हिचकिचाट होती है कि नहीं नहीं यार पता नहीं कैसे होगा दिक्कत आएगी परेशानी आएगी बट मिसेस फिट्स उन्हें कन्विंस कर लेती है कि देख तेरे को अगर इज्जत चाहिए ना तेरे को ये करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में अब आगे क्या है

है ना तो मैं पहले कैसी थी बहुत स्वीट बट अब मेरे अंदर कौन है मिसेस तो अब वो क्या बोल रही है जो एक्चुअल मिसेस पियर्सन है जो फिट्स की बॉडी में बोल रही जा तू मेरे घर जा चिल कर मैं यहाँ देख लूंगी ठीक है अब आगे क्या हो रहा है एट दिस मोमेंट अब इसी टाइम में प्ले के अंदर एंट्री होती है किसकी महारानी डोरिस पियर्सन की जो कि डॉटर है मिसेस पियर्सन की ठीक है वो अंदर आती है चाय के लिए पूछती है ऑर्डर देती है मिसेस प्योर्सन को कि मेरी जो येलो सिल्क वाली ड्रेस है ना उसे प्रेस कर दो क्योंकि मेरे को शाम को शाम डेट पे जाना है 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 चार्ली स्पेंस के साथ ठीक अभी क्या होता शी गेट्स शॉक्ड जैसे ही वो अंदर आती है वो शॉक्ड हो जाती है देख के कि उसकी मम्मी तो स्मोक कर रही है अब एक्चुअल में स्मोक कौन कर रहा है मिसेस फिथ्स बट क्योंकि शक्ल वकल सब उसकी मम्मी की सो शी इज लाइक व्हाट मैन मेरी मम्मी इस टाइम

वो भर भर के चार्ली स्पेंस की बुराई करती है है ना के लप्पू सा चार्ली है बोल बोलना उसको आवे ना शक्ल उसकी है नहीं तो भाई इतनी बेइज्जती कर देती है कि डोरिस तो वहीं पे रोने लगती है आज से पहले कभी किया नहीं होता ना बच्ची को डांटा है ना रोका है तो वो पूरा छूट में है अभी क्या है बिल्कुल अड़का दिया है और जिस लड़के के साथ जा रही है उसकी बेइज्जती कर दी है तो वो रोने लग गई है और शौक हो गई है कि मेरी मम्मी है ना ये

अभी कुछ कुछ मतलब क्या हो गया सो मिसेस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर तो वो ना सीधे मुझे जवाब ही नहीं दे रही जो मिसेस फिट्स है अंदर बॉडी में वो सीधे मुझे जवाब ही नहीं दे रही बोल रही क्या हुआ है आज से पहले तो मुझे इतना अच्छा कभी फील ही नहीं हुआ क्या हुआ है गेट्स एनॉयड तो वो भी हो जाता है कि यार मम्मी ऐसे बात तो नहीं करती है क्या हो गया इनको एंड डोरिस भी आ जाती है वेयर दे आर टोल्ड दैट मिसेस पियर्सन माइट इवन टेक द वीकेंड ऑफ तो बोला जाता है कि शायद मैं तो वीकेंड पे भी कुछ ना करूँ

ठीक है तो वहां का बादशाह समझता है खुद को तो वो आता है बोलता है कि देखो यार स्पेशल मैच है आज क्लब में तो मैं ना चाय नहीं पीऊंगा आज ठीक है एंड टीट अगेन आगे से वो जवाब देती है चाय बनाई भी नहीं है तो वो एनॉय हो जाता है मतलब बेसिकली आप यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करिए कि घर आए, और, आ, मैंने घर आकर बोला कि आज मैं लंच नहीं खाऊंगी तो मम्मी बोलती है लंच बना भी नहीं है तुम्हें तो गुस्सा हो गई अरे लंच क्यों नहीं बना अरे भाई जब खाना ही तुझे तो वैसे भी नहीं खाना ना तू क्यों गुस्सा हो रही है राइट right? तो वैसे वाली बात है भाई तुझे तो चाय नहीं पीनी तू क्यों गुस्सा हो रहा है मतलब तो ही इज लाइक भाई चाय पीनी पीनी हो नहीं हो नहीं हो, बनाना जरूर है तो उसका ये वाला बिहेवियर है सो मिसेस पियर्सन मिस पियरसिन मॉक सिमारेटिंग वॉन्ट तो वो बोल देती है बोलती है भाई एक तो तेरे को पीनी नहीं है ना और जो चीज तेरे को चाहिए ही नहीं तो उसी बात पे गुस्सा कैसे हो सकता है

लोग मजाक उड़ाते तुम्हारी पीठ पीछे तो वो अपने बेटे से भी कंफर्म करता है कि है तो बेटा बोलता है सो नाउ आफ्टर अ मिसेस फिट्स एंटर तो अब ये मिसेस फिट्स को मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में स्वीट इनोसेंट है ना तो उनसे वहां घर पे बैठा नहीं जाता चैन से वो आ जाती है अरे यार क्या हो रहा होगा मेरे पीछे से तो वो जब आती है अब पूरी फैमिली को पता नहीं कि ये जो मिसेस फिट्स है यही हमारी माँ है असली है ना तो वो नहीं वो बड़े अनोय जाते बोलती यार हमारे घर के मामले में ये क्यों आ रही है

तो जॉर्ज भाई शौक दो जाते भाई ये कैसे बात कर रही है आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं राइट right? यार एक तो ना तुम ना माइक को लेकर ना सही में अब मैंने यहां लगा लिया माइक अब आवाज आनी चाहिए ठीक है अब आगे क्या होता है देखो डोरिस एंटर्स द सीन एंड शी टू इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी यहां पर आएगा टू सी मिसेस फित्स मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स अराउंड ट्रैक टू अब डोरिस अंदर आती है और वो भी खुश नहीं है मिसेस फिट्स को देखकर बोल रही है यार हमारी फैमिली मैटर है तू क्यों इंटरफेयर कर रही है तो जो एक्चुअल में मिसेस फिट्स होती है उसे ठिकाने लगाती है उसे भी डांटती है सो नाउ एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्स जो कि एक्चुअल में कौन है मिसेस पियोसिन उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता वो बोल रही यार ये मेरी फैमिली के साथ कैसे ट्रीट कर रही है ये क्या कर रही है उनके साथ

तो मिसेस बोलती है यार थोड़ी देर रुक जा अभी तो मजा आना शुरू हुआ है अभी तो मैं इन पे लाइन मतलब इनको लाइन पे लाने लगी हूँ अभी से क्यों करा रही है ये सब तो वो फिर जब बहुत जिद करती है तो वो फिर से अपना मैजिक परफॉर्म करती है एंड एक्चुअल बॉडीज में डाल देती है अब क्या है दोनों अपनी अपनी बॉडीज में आ गई हैं अब रियल मिसेस फिट्स मिसेस फिथ्स है मिसेस पियर्सन मिसिस पियर्सन है

क्लियर Do we डू वी doubts? गाइस क्या क्लियर है वॉइस मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ ठीक है क्योंकि बार बार ही बच्चे बीच बीच में कुछ कुछ बोले इससे बेटर है मैं खुद ही चेक कर लूँ भाई इससे ज्यादा क्या लोगे इससे ज्यादा वॉइस क्या लोगे लाइफ में ये बता दो मेरे को आज हैं? क्या लोगे इससे ज्यादा आवाज ईयरफ़ोन लगा लो बिल्कुल आ सही आ, आ रही है क्लियर एवरीवन डू वी डाउट्स भाई ना तो फर सर कुछ आवाज नहीं आ रही बिल्कुल क्लियर आवाज है ठीक है पागल मत बनाओ मेरे को चलिए आगे आ जाइए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स कर लेते हैं ठीक है फटाफट फड़ से बेटा अभी एक घंटा भी नहीं हुआ ब्रेक की अभी जरूरत नहीं है जब मुझे लगता है ब्रेक की जरूरत है तो मैं दे दूंगी ठीक है चलिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे चलते हैं अब ये जो कहानी है ये लिखी है विलियम सरोवान ने ठीक है ये जो कहानी है ये दो अर्मेनिया के लड़कों के बारे में है दोरी अबाउट द टू अर्मेनियन बॉयज So, बेटा ना, ग्रामर आज नहीं होगी ग्रामेर होगी, ठीक है अभी के लिए प्लीज जो पढ़ा रही उस पर फोकस कर लो चलिए सो आरम एंड मोराद होते हैं और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं गर्गोलियन ट्राइब गियन फैमिली इनका जो ट्राइब होता है अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है ऐसा बोला जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा ऑनेस्ट है ये लोग कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे ठीक है सो चलो शुरू करते हैं ध्यान से सुनिएगा एंड so, मुराद दो पुअर बॉयज होते हैं हु बिलोंग टू द ियन गर्गोलियन फैमिली हु वर फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी तो so, 11th सेंचुरी से ये लोग जाने माने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए ठीक है किस चीज के लिए अपनी ऑनेस्टी के लिए के भाई ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे तो इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज्यादा फेमस होती है ठीक है एड्रेस करेंगे इसकी बात करेंगे द एड्रेस रुक जाओ ठीक है हाँ सो वन अर्ली मॉर्निंग अब एक सुबह क्या होता है ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स अब एक सुबह क्या होता है जो आरम है वो मस्त सो रहा है ठीक है और उसकी विंडो पे नॉक होता है ठक 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 तो वो देखता है उठता है कि हाँ भाई कौन है तो वो देखता है उसका जो कजिन है मुराद वो बाहर खड़ा है और उसके साथ में व्हाइट हॉर्स अच्छा दोनों ही लड़कों को ना हॉर्सेस का बहुत ज्यादा शौक होता है ठीक है दोनों ही लड़कियों ने हॉर्स बहुत पसंद होता है तो वो देख रहा है कि इतना ब्यूटीफुल सा अरे तो नहीं देख रहा हूँ ये यहाँ पर कैसे हम तो है घोड़ा बट सिंस देर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड अब क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था थोड़ी थोड़ी लाइट थी बाहर है ना पूरा अंधेरा नहीं था उसे लग रहा है नहीं यार सपना तो नहीं है रियालिटी ही है नाउ As they were poverty stricken, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि भाई ऑब्वियसली वो लोग गरीब थे ही कुडेंट बिलीव दैट हॉर्स वॉज देयर ओन उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो घोड़ा है ये उनका खुद का है ठीक है so he was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin तो उसके दिमाग में ना thought आता है कि शायद ये जो घोड़ा है ना ये जो मुराद है ये चुरा के लाया है ठीक है कहीं इसने चुरा तो नहीं लिया भाई हमारी फैमिली तो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती तो कहीं इसने चुरा तो नहीं लिया क्योंकि ये हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते है ना हमारी तो पुष्टते ही गरीब थी ठीक अब आगे क्या हुआ मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलोंग मुराद क्यों आया होता है उसे इनवाइट करने के लिए कि भाई आजा आजा फटाफट से तू मेरे पीछे बैठ जा तुझे राइड देता हूं ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक वो बोलता है जल्दी आ जाए इससे पहले कि कोई उठ जाए है ना अब क्या होता है अगर आप छोटे एरिया में रह रहे हो गांव वगैरह में रह रहे हो या अपनी सोसाइटी की ही, अगर बात कर लो आप तो सोसाइटी जो होती है उसमें सब हमें जानते हैं हो सकता है हम लोगों को ना जाने वो हमें जानेंगे हम किसके बेटे हैं हमारे भाई का नाम क्या है हमारे पापा क्या करते हैं सब पता होंगे राइट तो खबर जल्दी से जल्दी हमारे घर तक आई जाती है सो यहाँ पर वो बोल रहा है भाई इससे पहले कोई देख ले फटाफट से आ जा एम मोरिस क्लोज फटाफट से कपड़े पहनता है

बोलता है कि 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 देखेंगे देखेंगे तेरी खुद की की सेफ्टी के के लिए लिए ही ही बोल रहा हूं, कि देखेंगे बात की बात में अभी तू उतर जा नो आगे चलके उसको पता चलता है 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 मुराद ने ये ये जो घोड़ा चुराया है, एक महीने पहले एंड वो राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग और तब से वो हर सुबह इस घोड़े पर क्या कर रहा है राइड कर रहा है

तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही घोड़ा मिल गया उन्होंने उसे कहा अकेले एकदम पिछड़े एरिया में जाकर वहां पर रख दिया तो ये लोग क्या करते थे सुबह सुबह घोड़े को निकाल लेते थे जब सब सो रहे उस पर राइड करते और फिर सबके उठने से पहले उसे वापस छुपा दिया करते सो मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा चैप्टर की प्लीज इसको याद रखिए ठीक है एवरीथिंग का क्या मतलब है वो हर किसी के साथ यू नो अपना एक तालमेल बिठा लेता था चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो सबको पटाके रखता था विद हॉर्सेस क्यों लिखा है? कि हॉर्सेस के बारे में तो उसे कुछ ज्यादा ही नॉलेज थी, तो उसे सारी चीजें आती थीक्स आगे दो हफ्तों तक हर सुबह वो क्या करते देख द हॉर्स फॉर अ राइड एंड इट अगैन

क्या आप लाइन को स्पैम कर सकते हो जल्दी बताओ बेटा अगर कल एग्जाम है तो ग्रामर की वीडियो ऑलरेडी डल भी रखी है आप एक बार उसको देख सकते हो चैनल पे ठीक है बच्चे सारे टॉपिक्स आपके हो रखे ऑलरेडी चैनल पे अगर आपका कल एग्जाम है तो आप एक बार उसको देख सकते हो हां जी कौन सी लाइन वो बोलता है जल्दी बताओ यस वेरी गुड वो बोलता है इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट एल्फाफा इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट ठीक है तो वो क्या बोलता है इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट ठीक है समझ में आया अब आगे क्या होता है

सुना हो या देखा हो तो उसमें ना एक कैरेक्टर ऐसा वो लोग जरूर डालते थे जिसका आ, कोई कलाम मतलब वो एक ही लाइन को बार बार ही रिपीट करता राइट right, हाँ तो यहाँ पर भी ये इस लाइन को बार बार रिपीट करता है बहुत ही इरिटेटेड आदमी है ये तो जॉन बायरो आता है अंकल खुजरोव के पास बताने अपना दुख अपना दर्द बांटने के कैसे भाई जो मेरा घोड़ा है वो चोरी हो गया मुझे पैदल आना पड़ा

क्योंकि आलम के घर पे सब हो रहा होता है तो वो देखता है कि अरे अच्छा ये इसका घोड़ा है फटाफट फड़ से वो मुराद के पास जाता है एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट अब मुझे क्या लगा था जब मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ रही थी कि यार वो ना शायद लौटाने के लिए बोलेगा जाकर कि अरे अरे उसका यार बेचारे का लौटा देते हैं बट इसने उल्टा करा ये भाग कर गया और वहां पर बोलता है कि यार देख लौटाइयो लौटाइयो मत मत हॉर्स को है ना क्यों क्योंकि जब तक मुझे ना अच्छे से चलाना आ जाए मैं अच्छे से राइड करना ना सीख लू तू प्लीज हॉर्स को मत लौटाना मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक वन ईयर बोलते भाई ऐसे तो तुझे एक साल लग जाएगा सीखने का एक साल के लिए थोड़ी हम रख सकते हैं

है ना बड़ी बात है कि नहीं कि भाई उसे पता है कि ये घोड़ा उसका एग्जैक्ट कॉपी है बट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी कि आपकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है उसने क्या करा मानने से मना कर दिया कि ठीक है आप इस हॉर्स को लेकर जाओ तब उनको रियलाइज हुआ कि यार शायद हम गलत कर रहे हैं ठीक है सो मोराद मैनेज टू लेट बायरो अज्यूम दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स सो दे वेंट अवे अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ अगले दिन अब दोनों जाते हैं के चुपचाप जाके अगली सुबह घोड़े को रख आते हैं अब क्योंकि जो मुराद है वो सब से डील कर लेता है तो कुत्ते भौके भी नहीं कुत्ते उनके पीछे पीछे आते रहे बट कोई भी कुत्ता भौका नहीं एंड लेफ्ट प्लेस द सेम आफ्टरनून अब उसी दोपहर को जब उसे घोड़ा मिल जाता है जॉन बैक टू हिज हाउस

यानी कि पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट टेंपर्ड था लोगों को गिरा देता था अब काफी ज्यादा बेटर स्टेट में ये लौट कर आया है और भी लग रहा है पहले से यानी कि बच्चों, मुराद ने का अच्छा ख्याल रखा। तो वो बैठा होता है, वो फिर से चिल्लाने लगता है ना हॉर्स पे नो अटेंशन इट तो यहीं पर हमारी जो कहानी है वो समाप्त होती है क्लियर समझ में आया एक बारी प्लीज जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इस दैट क्लियर फिर हम लोग चल रहे हैं लास्ट चैप्टर पे स्नैपशॉट के दैट इज योर दी एड्रेस लास्ट चैप्टर ऑफ दी ऑफ दी स्नैपशॉट दी एड्रेस जितने भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखें इस वीडियो को वो आगे बढ़ा ले है ना और फिर देख लें अभी करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर पे बात है ना मैंने बोला अभी करेंगे हम क्वेश्चन आंसर पे बात डोंट वरी चलो सो so, आगे चलते हैं हम एड्रेस चैप्टर पे ये हमारा लास्ट चैप्टर uh, है द uh, स्नैपशॉट का एक सेकंड देना बस मेरे को गिव मी वन सेकंड प्लीज गुस्सा तो आता है ना जब कोई आपको बार बार ही कॉल कर रहा हो फिर आप फाइनली कॉल उठाओ और वो बोले सेव अप टू और फिर मैं कॉल काट दू चलिए अब ये जो कहानी है ना इसमें थीम क्या है इसमें थीम रिलेटेड थीम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आ जाते हैं ठीक है अब यहां पर इसकी थीम क्या है थीम ऑफ क्राइसिस उंटर इन आर डेली लाइफ वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रैक्शन हमने बहुत सारी क्लास नाइन्थ में पोम्स पढ़ी है तो उससे किसका फायदा होता है मैम जॉन बायरों को कैसे मालूम पड़ा कि बेटा अगर आपका कोई पेटा है आप उसको पहचानोगे नहीं बताओ पता होगा ना आपको कह रहे हैं इसके पैर पर पे हाथ पे है, इसकी बॉडी पर ही है So obviously, वो अपने पेट को पहचानेगा नहीं ठीक so है पर जब भी वॉर होता है तो किसका फायदा होता है किसी का नहीं होता लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है लोगों की फैमिली भी छठ जाती है लोगों के फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं घर पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं सो so यहाँ पे वॉर से डिस्ट्रक्शन ही होता है वॉर से लोगों की लाइफ में पे पे पेन ही आता है वॉर से जाने चली जाती है फैमिली अलग हो जाती हैं तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना ये भी वॉर के ऊपर ही है दिखाया हुआ है कि कैसे वॉर जो है वो दुनिया में काफी चीजों को तबाह कर देता है और उसका जो इम्पैक्ट है ना वो लोगों की लाइफ में शायद हमेशा के लिए रहता है ठीक है कि वॉर तो होकर खत्म हो जाता है बट उसका जो इम्पैक्ट है ना वो लोगों की लाइफ में हमेशा के लिए रहता है हाउ एवर दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट नरेटर एंड मदर्स लाइफ हाउ दे आर ड्यू टू वॉर शुरू करते हैं ये याद कर लीजिए दैट दिस स्टोरी इज अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड तो ये एक डिस्ट्रक्शन के बारे में ये स्टोरी है प्री वॉर यानी कि वॉर से पहले की सिचुएशन भी दिखाई गई है और पोस्ट वॉर वॉर के बाद की सिचुएशन भी यहां पर दिखाई गई है सो so, यहां पर तीन कैरेक्टर हैं. याद रखना एक है मिसेज एस एक है मिसेज एस की बेटी और एक है मिसेस डॉर्लिंग ठीक है ये तीन कैरेक्टर है मिसेस एस जो है वो एक जीव है और डॉर्लिंग जो है वो नॉन जीव है पहले के टाइम पर हिटलर के टाइम पर आपने देखा होगा वॉर वगैरह चल रहा था राइट उसी वॉर की यहाँ पर बात की गई है अब क्या होता है जो मिसेस एस है वो एक बहुत ही रिच लेडी है

ठीक है तो मिसेज एस की जो बेटी है वो बची हुई है उसने अपना घर भी खो दिया वॉर में और अपनी माँ को भी खो दिया वॉर में और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वॉर खत्म होने के बाद वो वापस आती है अपने घर वाले एरिया में क्यों आती है वापस क्योंकि वहां पर मिसेस डॉर्लिंग रहती है एंड उनसे अपनी चीजें वापस लेने आती है ठीक है बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ जो मिसेस एस है मिसेस डॉर्लिंग है वो एक दूसरे को जानते हैं तो जब वॉर चल रहा था जब वॉर की स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी तो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर आया करती थी ये बोलकर कि देखो वॉर में कहीं आपकी चीजें जो है जीव के खिलाफ वॉर चल रहा था हर जीव को निकाल निकाल के फेंक रहे थे तो वो बोल रही थी कि कहीं आपका जो घर है उसका सामान ना खराब हो जाए तो मैं सूटकेस भर भर के वो सामान लेकर जाती थी अपने घर की मैं उसे संभाल के रख रही हूँ वॉर के बाद आप मुझसे ले लेना

ठीक है अब फाइनली हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसे वो सामान अब नहीं चाहिए क्योंकि उस सामान से उसे उसकी मम्मी की याद आती है मेमोरीज की याद आती है तो वो फाइनली वहां से चली जाती है ये हम देखने वाले हैं सो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट पड़ से चैप्टर को ठीक है सो यहाँ पर क्या होता है मान लो मिसेज एस की जो बेटी है वो डोरबेल बजा रही है टिंग टोंग यही से चैप्टर शुरू हो रहा है ठीक है

जिसके घर से सामान लेकर आ रही है उसको पहचानो ही नहीं बोल रही है कौन हो तुम बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दे रही है ठीक है बहुत ही टाइम ले रही है उसे पहचानने के लिए मिसेस डॉर्लिंग विदिस डॉर्लिंग पहले ही सोच के बैठी होती है कि वॉर में इसकी पूरा का पूरा जो खानदान है वो खत्म हो गया है तो पूछती है अच्छा तुम बच गई अच्छा और कोई आया है क्या तुम्हारे साथ सोचो आप किसी से ये पूछोगे नहीं बट यहाँ पर ये औरत पूछ रही है So, तो घुसने तो नहीं दे रही एंड सबसे मतलब शॉकिंग बात पता क्या है जो कार्डिगन जो स्वेटर पहन के वो बाहर आई है वो भी उसकी मम्मी का ही पहन रखा है अभी भी तो वो पहचान लेती कि तू तो मेरी मम्मी का स्वेटर पहन के आई है और उसी की बेटी को सोचो वो घर में नहीं घुसा रही है बोल रही है बाद में आना The the protagonist her uh, her her mother's green cardigan, which Mrs. Mrs. was wearing. She she decided to to go back to the train station and and thought about her mother and how she told her about mother so, so, and, and to to how told घर से निकाल देती है उसको वापस जाती है तो जाते जाते ना अब वो पास्ट में चली जाती है स्टोरी और वो प्री वॉर टाइम पे चली जाती है कैसे जब वॉर शुरू हुआ था और मेरी मम्मी ने मुझे Mrs. डॉर्लिंग से मिलवाया था

ठीक है सो so, यहाँ पर लिविंग रूम में वेट करने बोलती है वेन देवर क्रॉसिंग द पैसेज अब जैसे ही वो होते हुए यू नो दरवाजा खोल के ऐसे पैसेज से होते हुए यू नो लिविंग रूम में जा रहे होते हैं The protagonist noticed their Hanukkah candle stand they had never used because it had been unmanageable. तो इस तरीके का ना कैंडल स्टैंड लगा होता है ठीक है उनके ऐसे पैसेज में हॉलवे में कि लिविंग रूम आगे चलकर है होता है ना कि घर में घुसो ऐसे एक पतली सी गली है फिर एक लिविंग रूम है तो वो देखती है कि ये कैंडल स्टैंड लगा है जो कि है और उसे याद आता है हमने ये कभी यूज नहीं किया क्योंकि इसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था तो ये इनके यहाँ पर लगा हुआ है वेन शी रीच द लिविंग रूम जैसे ही वो लिविंग रूम पहुंचती है शी वॉज हॉरिफाइड भाई वो डर जाती है वो बोलती है ओ माई गॉड वॉट इज दिस क्यों डरती है वो शी सॉ ऑल हर मदर्स थिंग दैट वर अरेंज इन अ टेस्टलेस manner उसे लगता है वो अपने ही घर आ गई है है ना बट अपने ही घर का सामान बहुत ही अलग मतलब अजीब से गंदे से तरीके से लगा रखा है बहुत ही टेस्टलेस manner में अरेंज कर रखा है समझ में आया तो वो देख के डर जाती है आप सोचो कि जो आपके रूम की सेटिंग है ठीक है जो आपके रूम की सेटिंग है उसका सारा सामान अगर आप कहीं और देखो बड़े गंदे तरीके से लगाया हुआ तो आपको भी अजीब सा लगेगा यार रूम तो मेरी तरह ही बना रखा है पर अजीब सा मतलब पूरी पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करेंगी राइट तो उसे भी बहुत बेकार सा फील होता है कि सारा का सारा सामान हमारा लगा रखा है द फर्नीचर वॉज अगली एंड द रूम स्मेल इट मेड हर डिस इंटरेस्टेड एंड शी वॉन्टेड टू लीव द प्लेस तो वो सबसे ना वो बहुत ज्यादा डिसइंट्रेस्टेड हो जाती है कि यार मेरे को सामान नहीं चाहिए मेरे को बस यहाँ से वापस जाना है मेरे को बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है यहाँ पर This is Darling's daughter offered her a cup of tea and the protagonist noticed the old table cloth that he had a that had a birthmark on it. अब Mrs. Darling की जो बेटी होती है वो क्या करती है? चाय ऑफर करती है और प्रोटैगनिस्ट नोटिस करती है टेबल क्लोथ यानी कि प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर कौन है Mrs. S की डॉटर वो क्या रिकॉग्नाइज करती है एक पुराना टेबल का कपड़ा जो जला हुआ होता है जो उन्हीं का होता है गर्ल वॉज शोइंग में उन्हीं का होता है तो सारा सामान ये तो हमारे घर से लाकर इसने अपना घर बना लिया है राइट अपड वॉक आउट ऑफ द हाउस वो फटाफट से वहां से उठती है और निकल जाती है क्योंकि उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है उसे लगता है मुझे ये नहीं चाहिए मेरा तो घर भी अब छोटा है जहां मैं रह रही हूँ मेरा घर खत्म हो गया मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है मैं क्या करूंगी इन सबका सो शी कंप्लीटली भूल जाना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहती हूँ क्लियर गई दैट क्लियर क्या स्नैपशॉट हमें क्लियर है कंप्लीटली एक बारी प्लीज जल्दी जल्दी से यस मैम लिख दो फटाफट फड़ से बेटा अभी बताया मैंने प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में प्लीज एक बारी यस मैम सारे बच्चे स्पैम कर दो फिर हम चलेंगे हमारी दूसरी बुक पे चलो ठीक है ब्रॉड बैक ब्रॉड बैक मतलब बहुत ही बड़ी बैक है ना इतनी बड़ी बैक वाइड ठीक है अब बताओ ब्रेक चाहिए पांच दस मिनट का या हम कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू कर लें प्रेडिकमेंट मतलब बेटा बताया था ना महिमा मैंने कोई बहुत ही डिजास्ट्रस सिचुएशन डिफिकल्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन ठीक है सो स्नैपशॉट हमारा कंप्लीट हो गया है दस मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर हम लोग हमारी हॉर्नबिल जो बुक है उसको हम लोग शुरू करेंगे ठीक है हॉर्नबिल के चैप्टर्स थोड़े से बड़े बड़े हैं इसलिए अपना जूस पानी वानी सब पीकर आना फटाफट -फड़ से ठीक है तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी Uh, we are not afraid to die. Discovering टूट the adventure and Silk Road. तो इस पैटर्न में हम लोग चैप्टर्स को करने वाले हैं जिसमें दी एडवेंचर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है इसे कराने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसलिए जल्दी से लौट आना ठीक है जी 117 हो रहे हैं 130 पे कंटिन्यू करेंगे आज आना वापस लौट कर ठीक है हेलो जी सच अगेन चलो जी आ जाओ फटाफट से दोबारा से ब्रेक इज ओवर जल्दी जल्दी आ जाओ क्या किया ब्रेक में फटाफट से बता दो जल्दी जल्दी अच्छा इस क्लास को ना मैं ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्म भी डालूंगी वीडियोस में ठीक है एक दो दिन बाद देखूंगी या तो कल डाल दूंगी रीजन यही है डालने के पीछे कि जिस बच्चे को रिकॉर्डेड देखनी हो वो रिकॉर्डेड देख ले बट uh, ये सब स्किप कर दे क्योंकि ये लाइव में तो मैं बोल रही हूँ बट रिकॉर्डेड में ये होता है ना बच्चों को जल्दी 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 जो भी मतलब इस क्लास में अभी मौजूद नहीं है ठीक है चलिए जी फटाफट से यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से ठीक है शुरू करने वाले हैं हम लोग हमारी uh, हॉर्नबिल बुक को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं जल्दी जल्दी से कॉफिट बना के बिस्किट लेके बैठा हूँ अच्छा मेरी भी जो कॉफी मैंने बारह बजे रखी थी ना Uh, एक सिप मार के वो मैंने अभी पी है वो भी मैंने खत्म नहीं करी मैंने जितने देर में मैंने गर्म करी उतने में वन uh, ट्वेंटी थे अभी रख, तो आए, कि थोड़ा ब्रेक हो गया, पानी वानी पी लो थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर लिया करो शरीर को अपने चलो सो गया था मैं वाह राइट रात को होगी हो ना आठ बजे क्लास हां जी होगी बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी चलिए सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की शुरुआत करते हैं ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दैट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह आप सभी को मा, आ, मालूम है ये बात ये जो चैप्टर है ना बच्चों ये ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के बारे में अब हम सबको पता है यार हम लोग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा लेवल पे अटैच होते हैं ना बहुत ज्यादा हमें उनसे प्रेम होता है प्यार होता है सो so, अपनी ग्रैंड मदर और ऑथर के बारे में ये चैप्टर है ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन विद अ रिंकल्ड फेस अब हम सबको पता है कि ग्रैंड मास कैसी होती है ओल्ड होती है हाना, रिंकल्ड फेस होता है क्योंकि उस टाइम तक फेस पे झूरिया आई जाती हैं सो द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस अब क्या है मान लो अगर मैं कभी दादी माँ बन गई अब तो मैं बनूंगी है ना तो आगे चलकर जो मेरा पोता पोता होगा या पोती होगी वो तो मेरे को बुढ़ा ही देखेंगे वो कभी मेरा ये रूप थोड़ी देख पाएंगे लाइव हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस देख ले पहले की मेरी फोटोज देख ले इंस्टाग्राम पे दादी क्या बात है ऐसे कर ले बट अगेन वैसे तो नहीं देख पाएंगे ना थोड़ा सा तो मेरे को एजेड फॉर्म में ही देखेंगे तो वो मेरे को कभी ऐसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे रियलिटी में समझ रहे हो जैसे अभी क्या होता है हम लोग हमारे पेरेंट्स की फोटो देख लेते हैं जवानी की है ना या हम हमारे पेरेंट्स की शादी की वीडियो देख लेते हैं फोटो देख लेते हैं तो हमें दिख तो जाते हैं कि हाँ भाई ये लोग ऐसे थे बट हम इमेजिन फिर भी नहीं कर पाते हैं कि अरे मतलब ऐसे लाइव इमेजिन हम लोग नहीं कर पाते हैं So, यहाँ पर भी खुशवंत uh, सिंह के लिए जो था इमेजिन करना अपनी ग्रैंड माँ को एज यंग वॉज वेरी मच डिफिकल्ट क्योंकि उन्होंने पिछले 20 सालों से अपनी ग्रैंड माँ को ऐसे ही देखा था ओल्ड एंड शी अपियर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बींग यंग एंड प्रिटी अ हजब तो अपनी ग्रांडमा को ब्यूटीफुल वो मानता था बट वैसे लेवल पे प्रिटी है ना वो इमेजिन नहीं कर पाता था कि इनका कभी हस्बैंड रहा होगा ये भी कभी यंग रही होगी वो इमेजिन नहीं कर पाता था शी वो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, ठीक है द ऑथर एट सीन हिज ग्रैंड पोर्ट्रेट अब ग्रैंड फादर के ऊपर वैसे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है बट अगर आ गया तो ग्रैंड का जिक्र बहुत ही कम शब्दों में किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली वो चार पांच वर्ड्स को याद कर सकते हो एज इट इज अपने पेपर में जाकर लिख कर आ सकते हो ठीक है सो ग्रैंड की जो आप पोर्ट्रेट थी जो पिक्चर थी उसके बारे में बताया गया है कि एन ओल्ड मैन विदर्बिन पगड़ी बांध रखी थी

जब हम देख लेते हैं बुढ़ापे में तो हमें लगता है अरे नहीं, नहीं के, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन ही इनके हो सकते हैं बच्चे बच्चे कहाँ इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि वो कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एज इमेजिन नहीं कर पाते थे spotless white. Spotless white बोला गया है व्हाइट कलर की वो साड़ी पहना करती थी एक हाथ उनके यहाँ पे कमर पे वेस्ट पे रहता था और हर अदर हैंड काउंटिंग ऑफ़ रोज़री यानी कि दूसरे हाथ से वो अपनी माला को जपती मदर In मतलब का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा बॉन्ड था ठीक है मैं इसका एक एक क्वेश्चन आंसर भी आपको देने वाली हूँ इस क्लास के एंड में वो क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने कर लिए आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करके आ आप पाओगे आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है ये भी करना है ये भी करना है करने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो प्लीज इस क्लास के एंड तक बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड uh, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मिल जाएं सो इनिशियल डेज बोला गया स्टार्टिंग के दिनों में हुआ क्या था जो ऑथर है उनके जो पेरेंट्स हैं वो शहर चले गए थे अपना सेट होने ठीक है बिजनेस सेट करने अपना सेटल होने कि एक बार सेटल हो गए फिर हम ग्रैंड माँ को और बच्चे को ले जाएंगे तो इनिशियल डेज में जो बॉन्ड था हमारे ऑथर का और ग्रैंड मदर का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था She used to wake him up, वो उसको उठाया करती उसे रेडी किया करती थी स्कूल के लिए उसकी जो स्कूल की रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको पैक किया करती थी और उसे खुद स्कूल लेकर जाया करती थी तो आप सोचो अगर कोई ट्वेंटी फोर सेवन आपके साथ है नहला रहा है धुला रहा है खिला रहा है पिला रहा है सब कर रहा है स्कूल लेकर जा रहा है आ रहा है तो आपका उससे बॉन्ड ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग होगा ही

तो अभी ऐसा चलता रहा चलता रहा एंड कुछ ही दिनों में जो ऑथर के पेरेंट्स थे उन्होंने बुलावा भेज दिया वो लोग इन्हें लेकर चले गए ठीक है कि अब हम सेटल हो गए हैं आप लोग भी आ जाइए As they the city, his relationship with his grandmother took a turn. तो ये एक चेंजिंग पॉइंट था इनके रिलेशनशिप में गाँव में क्या होता है देखो गाँव में ना एक रूटीन फिक्सड होता है समझ रहे हो आप लोग गांव में एक रूटीन फिक्स्ड होता है बट शहर में सारी चीजें आते ही अलग हो जाती है क्योंकि शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं होता अब आप लोग भी शहरों में रहते हो सोसाइटीज में रहते हो है ना और मैं दोनों ही जगह रही हूँ तो मेरे को पता है कि गांव में आपका एक रूटीन फिक्सड है अगर आपके साथ में पड़ोसी कोई रहता है तो वो भी बाहर ही रहते हैं आप भी बाहरी हो आपकी बात हो रही है मिल रहे हो छत पे बैठे हैं धूप आ रही तो बट शहरों में ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कम इंटरक्ट करते हैं लोग एक दूसरे से बिकॉज अपनी ही लाइफ में इतना व्यस्त होते हैं इतना बिजी होते हैं राइट right? so पर भी इनकी लाइफ में 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 जैसे ये लोग शहर आए एक में एक रिलेशनशिप चेंजिंग पॉइंट इनके आ गया दो दे शेयर्ड द रूम तो इनिशियली सेम कमरा दिया गया सेम रूम में ये लोग रहते थे बट द बॉन्ड ग्रू अ पार्ट बट इनका जो बॉन्ड था वो अब अलग अलग होता गया और ये ना आप कहीं भी देख लेना चाहे तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो ठीक थ में हो, तो आपके बहुत सारे होगा कॉमर्स लिया होगा हो हो तो बट गए और जैसे बटे होंगे तो तो हो पहले जो साथ ही बैठते थे साथ ही खाते थे साथ ही उठते थे सारा होमवर्क साथ होता था पूरी क्लास सेम थी अब अगर क्लास अलग हुई है तो अलग फ्रेंड्स होंगे अलग रूटीन होगा अलग प्रोजेक्ट्स होंगे ऐसा होता है ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा

है ना फिर आप कॉलेज में अपने नए दोस्त बनाओगे कॉलेज खत्म होगा जॉब लगेगी आप देखोगे कॉलेज के फ्रेंड्स भी आपके छूट रहे तो ये क्या है जैसे जैसे हमारा रूटीन चेंज होता है ना हमारे लोग छूटते ही है ठीक है जब आप सेम इन्वायरमेंट में होते हो सेम चीजें कर रहे हो तो आपकी फ्रेंडशिप बन जाती है लोगों से जब आपका एनवायरमेंट क्योंकि आगे चलकर आपकी लाइफ अलग होती है आपके जो ऑब्स्टेकल है लाइफ के वो अलग हो जाते हैं आपके दोस्तों के अलग हो जाते हैं तो चीजें अलग होती है बिल्कुल वैसे ही यहां पर जब ग्रैंडमा और ऑथर का रूटीन सेम था तो सब चीजें सेम थी अब क्या हो गया शहर में आगे चीजें बदल गई है तो सारी चीजें धीरे धीरे उनका बॉन्ड भी अलग होता जा रहा है ठीक है समझ में आया अब आगे देखो यस तो अभी उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया पहले तो ग्रांड स्कूल छोड़कर आती थी तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस क्या है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, no बहुत है। देखो यार केवल चैप्टर को सुनो नहीं उसे समझो भी लाइन को देखो भी लाइन ही तो लिख कर आओगे पेपर में

तो पहले क्या था गांव में हिंदी में पढ़ाई होती थी तो वो उसकी हेल्प भी करती थी अब क्या है सारी चीजें इंग्लिश लेवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश में, तो भी नहीं आता है टाइम पर आपको पता ही है कि थोड़ा यू you नो know, अलग होता था मामला तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि यार भगवान के बारे में कोई चीज नहीं पढ़ाते हैं सो लेस ऑफ ईच अदर अब उनका जो इंटरक्शन था वो कम होने लग गया था जाने का टाइम आ गया यहाँ तक कि जब स्कूल में उसे म्यूजिक लेसन दे रहे थे उससे भी ग्रैंड मा बहुत ज्यादा अपसेट थी के? म्यूजिक डिसेंट लोगों की चीज नहीं है उन्हें लगता था इट्सॉस एंड बेगर ठीक है अब आगे आगे जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो उसको एक अलग कमरा दे दिया गया कि अब लड़का बड़ा हो गया अब इसको एक अलग अपना उनकी कम हो गई सो शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन एंड स्पेंड हर सिटिंग एट हर स्पिनिंग तो धीरे ग्रैंड मा ने नो लोगों में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया ठीक है एंड उन्होंने सबसे बात भी करना कम कर दिया अब वो क्या करती है अपनी स्पिनिंग व्हील के पास ही पूरा दिन बैठी रहती अपनी प्रेयर्स को गाती रहती एंड जो अपनी यू नो माला है उसे ही जपती रहती विद वन हैंड शी लव फीडिंग अब क्या होता है कि शहर में उन्हें कुत्ते तो कहीं दिखते नहीं कि वो कहा नीचे उतरे है ना क्योंकि गाँव में क्या होता है ऐसे फ्लोर नहीं बने होते अब मैं ग्यारहवे फ्लोर पे रह रही हूँ तो गांव में ऐसे फ्लोर्स नहीं बने हुए यहाँ पर बने हुए हैं ग्यारहवे फ्लोर ट्वेंटी सिक्स फ्लोर इलेवेंथ फ्लोर टेंथ फ्लोर गांव में नहीं है अब यहाँ से बंदा कहानी नीचे उतरेगा आलस आता है ना गांव में क्या है ओपन आंगन है बिल्कुल बैठे हुए हैं राइट बाहर निकल जाओ गेट से तो मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होता है स्पैरोज आती है ठीक है तो वो क्या करती है स्पैरोस को ही फीड करना उन्होंने शुरू कर दिया बरामदा में ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन तो वो ये डेली लेवल पे करने लगी द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स बर्ड्स उनके पैर पे बैठ जाते हेड पे बैठ जाते उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते वो किसी को भी कभी भी भगाती नहीं सून दी ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड अ बहुत ही जल्दी ऑथर ने क्या करा जैसे जैसे आगे हुई चीजें यूनिवर्सिटी के बाद उसने डिसाइड किया कि अब उसे अब्रॉड जाना है दूसरे देश जाना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शी केम टू टू द रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन हिम ऑफ तो वो उसको छोड़ने भी आती है ऑथर के मन में कहीं ना कहीं डर भी है कि मैं पांच साल बाद वापिस आऊंगा तब तक मेरी जो ग्रैंड माँ है वो जिंदा बचेंगी नहीं बचेंगी क्योंकि ओल्ड एज में हमें ये जो डर है ये लगा रहता है राइट शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल तो अब वो देखता है कि यार ये तो इमोशनल भी नहीं हो रही है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी जो प्रेयर्स है मन मन में यू नो लिप्स उनके ऐसे मूव होते हुए दिख रहे हैं तो अपनी प्रेयर्स गा रही हैं हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड तो बिना कुछ बोले वो बस उसे फोरहेड पे किस करती हैं एंड बाय कर देती हैं आफ्टर फाइव ईयर्स बिल्कुल ग्रैंडमा बिल्कुल सही सलामत होती है आफ्टर फाइव ईयर्स ही रिटर्न होम शी वॉज देयर केम टू पिक हिम वो उसे रेलवे स्टेशन से पिक करने भी आती हैं ठीक है और बिल्कुल पाँच साल पहले की तरह ही वो दिखाई दे रही होती हैं She clasped him within her arms, यानी कि उसे हक कर लेती हैं and didn't say a word और तब भी उसे कुछ नहीं बोलती। She still used to feed her sparrows. अब one day, एक दिन बच्चों क्या होता है? She didn't recite her prayers. एक दिन वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करती या अपनी प्रेयर्स नहीं गाती तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनयूजल चीज है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ग्रैंड मा ने अपनी प्रेयर्स ना गाई हो राइट बट इन क्या करती हैं सारे की सारी नेबरहुड की जो मोहल्ले की औरतें हैं उन्हें कलेक्ट कर लेती हैं गोटा ड्रम एक ड्रम लेती है स्टार्टेड सिंगिंग और गाना गाने शुरू कर देती है होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स योद्धा के गाना गाने शुरू कर देती है अब अगली सुबह शिवोजिल वो बीमार हो जाती है उन्हें फीवर चढ़ जाता है

यहाँ पे खत्म हो जाती है एज द प्रिपेयर की तैयारी कर रहे हैं बॉडी को उठाने के लिए देखते हैं जिन्हें वो फीड किया करती थी वो भी आई हैं और चुपचाप बैठी हुई हैं जैसे कि वो भी ग्रैंड मा की डेथ का शौक मना रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है इज इट क्लियर बेटा साहिलुद्दीन मैंने भी नहीं खाया है पढ़ ले जाओ खा लो किसी और बाद में बोल लेना हम्म आपको दूसरों के खाने की बहुत फिक्र है बट अपनी पढ़ाई की फिक्र नहीं है और ये देखकर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अगर सबको खाने ही खाने हैं, तो मैं चली आती हूँ मैं भी खा लेती हूँ मैं बेवकूफ हूँ क्या हाँ खाना खा लो घर में क्या बना है जाओ अभी खाओ मेरी कसम फलाना ढिमकाना फिर जब मैं क्लास नहीं लेगी इलेवेंथ की मैम इलेवेंथ की क्लासेस मैम लाइव ले लो मैम लाइव ले लो मैम लाइव ले लो ग्रामर कब होगा बेटा ग्रामर परसों होगा ग्रामर एंड राइटिंग जिसका पेपर कल है वो बच्चा ऑलरेडी चैनल पर ग्रामर और राइटिंग देख सकता है मैंने डाल रखा 11th रखा है है का सिलेबस कंप्लीट कर जिसका पेपर अभी कल नहीं है वो परसों की क्लास में आ जाए टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है ग्रामर और राइटिंग की क्लास है परसों ठीक है ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लियर चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं फटाफट से जस्ट अ सेकेंड वी आर नॉट्रेड टू डाय लिखा है Jordan Cook ने ने. ये जो स्टोरी है ये थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन के बारे में है जो की नरेटर uh, है इस कहानी के ठीक है थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन के बारे में ये स्टोरी है ओके okay? अब उनकी एक वाइफ है जिनका नाम है मैरी दो बच्चे हैं जोनाथिन जिसकी उम्र छह साल है सुजैन जो साल की है तो वो और उनकी वाइफ का ना हमेशा से समुद्री यात्रा करनी है ठीक है, है? बैठकर उन्हें समुद्री यात्रा करनी है अराउंड द वर्ल्ड वेव वॉकर विच इज ट्वेंटी थ्री मीटर लॉन्ग थर्टी टन वुडन हार्ड जस्ट लाइक दैट ऑफ कैप्टन जेम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है चैप्टर से रिलेटेड इसको प्लीज आप लोग याद रखना ठीक है प्लीज याद रखना इसको कि हम लोग पर क्या करने वाले हैं एक समुद्री यात्रा करी थी कैप्टन जेम्स कुक ने सेम उन्हीं के रूट को ये लोग दोबारा से करना चाहते हैं एंड ये लोग अपनी शिप में कर रहे हैं जिसका नाम है वेव वॉकर जो एक 23 मीटर लॉन्ग शिप है 30 टन वुडन वुड की बनी हुई है ठीक है अब पूरी की पूरी जो फैमिली है वो क्या करती है स्टार्ट करती है अपनी यात्रा को इंग्लैंड से ऑन जुलाई रखना इसमें डेट्स क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या? एक तरीके से अपनी यात्रा के बारे में ही हमें कर रह, जर्नी के बारे में रखा है कि कैसे -कैसे क्या -क्या आती है अपनी जर्नी में बट उसके बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हारते ठीक है कि कितना ज्यादा सीरियस हो जाती है इनकी जर्नी कितना ज्यादा प्रॉब्लम आती है डूबने को हो जाते हैं बट फिर भी ये लोग होप अपनी नहीं छोड़ते चलिए थ्री ईयर लॉन्ग जर्नी सो जो तीन साल तीन साल की जर्नी पर गए हैं तो जो इनिशियल फेज होता है यानी कि अफ्रीका से केप टाउन तक ता, इनका जो सफर है वो बहुत ही बढ़िया बीतता है कोई परेशानी नहीं आती अब यार देखो समुद्र है उस पर क्या आप यकीन करोगे हा वो तो कभी भी बिगड़ सकता है कभी भी वेव आ सकती है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग राइट इट वॉज प्लेजेंट

शाम को भी क्लासेस होती है नहीं शाम को नहीं होती बट परसों की जो क्लास है वो बारह बजे नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है परसों कुछ बच्चों का पेपर भी है परसों की क्लास में आफ्टरनून में रखूंगी अराउंड थ्री पी ठीक है जी अराउंड थ्री पी एम आपकी क्लास को रखने वाली हूँ परसों इट तब तक आप लोग सब पेपर देकर आ भी चुके होंगे घर अभी चले आगे अच्छा कहना आई गेटा यस मैम इन द कमेंट सेक्शन प्लीज Can I get a yes, ma'am? All right. So और उनकी बीवी जो है वो प्लान करते हैं बिल्कुल कॉपी करना चाहते हैं कैप्टन जेम्स कुक तो जेम्स कुक को नाम याद रखना जेम्स कुक तो इन्होंने एक समुद्री यात्रा करी थी उसी को ये लोग कॉपी करना चाहते हैं इनका ड्रीम है ड्रीम किसका है हमारी नरेटर का और उनकी वाइफ का तो ये क्या करते हैं अपनी जो स्किल्स है है ना कि समुद्र में भाई अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास हम लोग सारे तरीकों से रेडी होना चाहिए अभी ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं चली गई शिप उठाकर तीन साल की यात्रा पे अरे नहीं भाई आगे चलकर किसको क्या पता रात में वेदर कैसा हो मैं डूब जाऊं मर जाऊं ना तो स्किल्स तो होनी चाहिए कैसे फाइट करना है कौन सी चीज क्या होती है सब पता होना चाहिए तो ये लोग काफी सालों से अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं कितने सालों से सोलह सालों से लगे हुए हैं प्लान करने में चीजों को ऐसे नहीं है कि आज मन में आया सपना देखा कल निकल गए नहीं हर चीज में प्लानिंग लगती है तो प्लान कर रहे हैं पिछले सोलह सालों से दे गेट अच इज ट्वेंटी थ्री मीटर लॉन्ग सबसे पहले जरूरत है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिप बनाने की तो शिप तेईस मीटर लॉन्ग होती है टन उसका वेट होता है वुड की होती है और उसका नाम होता है वेव वॉकर काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना अब वो जाने से पहले शिप को टेस्ट करते हैं महीनों तक बहुत ही रफ वेदर में हना में खराब मौसम शिप को टेस्ट करते हैं कि भाई आगे चलकर अगर मौसम खराब हुआ तो ऐसा ना हो कि हम डूब जाए हमारे साथ बच्चे भी जाएंगे तो पहले उस शिप को टेस्ट किया जाता है फाइनली जुलाई नाइनटीन में वो लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं प्लायम इंग्लैंड से तो वो केप टाउन तक उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होती है याद रखना केप टाउन तक उनकी जर्नी काफी ज्यादा प्लेजेंट होती है अब वो ईस्ट साइड केप टाउन से ईस्ट की साइड उन्हें निकलना होता है ईस्ट की साइड निकलने से पहले नरेटर दो क्रूमेन को अपने साथ रखता है लैरी और हर्ब को नाम याद रखना लैरी एंड हर्ब टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशियन तो ये सबसे ज्यादा टफ सी है है ना सबसे ज्यादा खतरनाक सी है इसमें साथ देने के लिए वो और उसके बीवी बच्चे और वो तो खुद होता है बट अपने साथ दो दोन को वो और ऐड कर लेता है अब क्या होता है सब चल रहे होते हैं दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे तो जब वो निकले होते हैं केप टाउन से केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन ना बहुत ही भारी भारी वेव्स उन्हें दिखने लगती हैं ठीक है बहुत ही अलार्मिंग रेट पे बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल पे वेव जो है वो आ रही है दिसंबर तक वो लोग किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं केप टाउन पैंतीस हजार किलोमीटर आगे आ चुके होते हैं ठीक है कितने हजार किलोमीटर एक बार बच्चे करेंगे दे तो लेट मी नो दे आर अटेंशन। अब आगे क्या होता है manages, अब किसी तरीके से वो मैनेज करते, है, करते है वो कर हैं टॉलरेट करते हैं अब आगे क्या होता है जो वेदर है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता जाता है और 2 जनवरी को बड़ी-बड़ी वेव्स जो है वो उनकी शिप को हिट करती है। लेटर इन द इवनिंग अब उसी शाम को क्या होता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वेव उनकी शिप को हिट करती है जिससे उनकी पूरी की पूरी शिप हिल के रह जाती है और जो नरेटर है वो तो शिप से बाहर ही गिर जाता है उस वेव के कारण इतनी ज्यादा तेज वेव थी और इतनी ज्यादा खतरनाक और बड़ी वेव थी जिसने उसकी शिप को हिट करा ही एक्सेप्ट इज अप्रोचिंग डेथ अब फाइनली शिप से बंधा हुआ होता है ऐसा नहीं है शिप से बंधा नहीं है शिप से क्योंकि वो प्रिपेयर्ड पहले ही होते हैं हर सिचुएशन के लिए तो खुद को सारा सामान बांध लेते हैं बंधा हुआ होता है शिप से बट फिर भी बाहर समुद्र में गिर जाता है ठीक है और उनकी शिप की तो वो क्या कर रहे हैं अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर होती है तो नरेटर जो डूब रहा होता है उसे भी झटका लगता है और वो फिर से शिप में आके गिर जाता है वेन द शिप इज अबाउट टू ओवर टर्न वेव हिट अगेन एंड टर्न इट राइट बैक ही सफर्स इंजरीज अब ऐसा नहीं है उसे चोट नहीं लगी होती बहुत चोट लगी होती है। He suffers injuries in ribs and mouth. He grabs the guardrail and sails into the ship's main boom. तो मेन फ्लोर पे आके शिप के गिर जाता है। अपनी वाइफ मैरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम व्हील के पास जाओ। As he realizes that the ship has water in the lower parts, his crewman starts pumping out the water। अब क्या होता है? शिप भी यू you नो know, कहीं कहीं से टूट गई होती है, जिससे कि पानी अंदर आ रहा होता है। ठीक है तो जो दो है, वो बेचारे कॉन्स्टेंटली पानी को बाहर निकालने का काम कर रहे होते हैं अपनी बीवी को वो व्हील के, पास है तो के तू को संभाल और खुद वो नीचे जाता है के मैं कुछ ले जो, जो साइड टूट गया है, उसको थोड़ा सा रिपेयर कर दू ताकि पानी अंदर ना आए क्लियर एवरी वन इज इट क्लियर अब आगे क्या हुआ क्रूमेन स्टार्ट पंपिंग आउट नरेटर गोज टू हिस्सन एन चेक्स ऑन द

राइट right? कि जब तक उसकी मम्मी राहुल पे या उस पर चिल्ला नहीं देगी तब तक उसका दर्द कम नहीं होगा रोता रहेगा वो बट इनके बच्चे जो और साल के इतने ज्यादा समझदार है है कि कि इन्हें दिख रहा है कि हमारे माँ बाप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपनी इंजरीज मेजर इंजरीज को भी यू नो उन्हें नहीं बताते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं उनका जो मोटिवेशन है ना उसको कम नहीं होने देते उल्टा बढ़ाते ही है ठीक है तो पर हमारे यहाँ के बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता

तो अब क्या होता है उसमें वो सारी चीजें फंसने लगती है एंड हैंडप काम नहीं करता इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है बट लेटर लकीली उन्हें एक spare, एक स्पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप मिलता है और वो कनेक्ट करते हैं उसे पानी बाहर निकालने के लिए दे ऑल की लगा हुआ है पानी को बाहर निकालने में दे आर कॉल्स आर नॉट आंसर तो जो वो इमरजेंसी लेवल पे कॉल यू नो कर रहे जैसे हमने क्लास टेंथ में ब्लैक एरोप्लेन में देखा था कि उसका रेडियो बंद हो गया कंपस बंद हो गया ना इमरजेंसी सिचुएशन में क्या ही चलेगा तो यहाँ पर भी क्या है कि वो ऐसे रिमोट कॉर्नर में है जहां पर नेटवर्क नहीं है तो उनके कॉल्स भी कहीं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि उनकी मदद के लिए कोई भी आ पाए सी ऑन दी अदर हैंड अब जो उनकी बेटी है हैज नाउ अ स्मॉल ब्लैक आई उसकी जो इंजरी है वो बढ़ती जा रही है उसकी आंख भी काली हो गई है और उसके आम हाथ पर भी एक डीप कट आ गया है सो so,

बट यहाँ पर क्या बच्चे समझदार है बच्चों मेन पॉइंट मेरा क्या है कि बच्चे समझदार है यहाँ पर ठीक है अब आगे क्या हुआ आफ्टर फिफ्टीन आवर्स पंद्रह घंटों तक वो लोग लगातार पानी को यू नो बाहर पंप कर रहे हैं और उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आती है द नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट अब वो बोलता है कि चलो चारों को काम नहीं करना पड़ेगा अपन एक एक करके यू शिफ्ट में थोड़ा सा पानी बाहर निकालते रहते हैं क्योंकि पानी तो लगातार आ रहा है बट थोड़ा पानी कम हो गया कि अब हम रोटेशन में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर भी कर सकते हैं द वॉटर इज इन बैड शेप नाउ अब शिप का क्या है बुरा हाल हो चुका है ठीक है कहीं से टूटी है कहीं से टूटी है वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे सो दे डिसाइडेड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड एमस्टरडाम अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इस हालत में तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए हमें कोई यहाँ पर आइलैंड देखना पड़ेगा एम्स्टरडेम है तो एम्सटरडेम ढूंढने का मतलब क्या है इतने बड़े समुद्र में आप एक पिन ढूंढ रहे हो वैसा सा आइलैंड है वो छोटा सा ठीक है सो ये क्या है फ्रेंच साइंटिफिक बेस है ये जगह एज देर सपोर्टिंग इंजन वो डैमेज द ऑफ शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो तो पूरी की पूरी जो शिप है वो तबाह हो चुकी है बहुत ही कम चांस है कि ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे या आइलैंड पे पहुंच सकते हैं सो आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटीन्यूअसली फॉर 36 आवर सोचो so 36 घंटों तक वो लोग क्या कर रहे पानी को बाहर पंप करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं एंड उसके बाद दे टूक अ साई ऑफ रिलीफ फिर उनमें हिम्मत आती है थोड़ा सा ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट अब बहुत ही कम पानी बचा है बोट के अंदर से बाहर निकालने के लिए तो दो दिन में वो लोग पहली बार अपना खाना खाते सोचो दो दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है दे एट देयर फर्स्ट मील इन टू डेज सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स याद रखना कि उन्होंने क्या खाया सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स The the weather soon started changing and again the black clouds took over by morning of January 5. अब पांच जनवरी के आसपास फिर से जो वेदर है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगता है अब उसका जो बेटा है जोनाथन है ना वो क्या करता है सोचो इतना छोटा बच्चा छह साल का आकर अपने पिता को क्या बोल रहा है कि पापा He didn't fear death as long as long they were all together. We are not afraid to die. जो आज जो आपके चैप्टर का नाम है कि पापा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं This filled him with determination to fight the sea. अपने छोटे छोटे बच्चों की ये बात सुनकर उनके पापा के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि यार नहीं यार मुझे बचाना है स्ट्रगल राइट साइड था वो ज़्यादा था। था तो लगातार कोशिश कर रहा कि किसी तरीके से मैं उस साइड को यू नो बचा के evening, सेम शाम को नरेटर और उसकी जो बीवी है वो इकट्ठे बैठते हैं हाथ पकड़ के बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार अब हमारा जो अंत है वो बहुत पास है ना कि उनके जो बच्चे हैं वो कॉन्टिन्यूसली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कोने में बैठ के रो नहीं रहे हैं कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं कि कभी कार्ड बना के ला रहे हैं कभी उनको बोल रहे हैं कि अरे भाई हमारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं सबसे फनी है हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उन्हें लगातार मोटिवेशन मिल रहा है अब क्या हुआ जो वेव वॉकर यानी कि जो बोट था सेल्ड थ्रू द स्ट्रॉ एंड मेड इट दरेटर एग्जैक्ट पोजिशन माई वॉकिंग ऑन दिन स्पीड फाइनली बैड वेदर से बोट बाहर निकल कर आता है और जो नरेटर है वो अपनी कुछ कैलकुलेशन करता है कि कि कब तक वो तक वो वो लोग पहुंच सकते हैं। तो उनकी बेटी एक लेकर आती है 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 जिसमें वो अपना प्यार जताती दिखाती है कि पापा, we are so proud of you, आप और मम्मा हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो अब वो क्या करता है लैरी को बोलता है कि 185 एट्टी डिग्रीज पे मोड़ दो हैंडल को अगर हम लोग लकी हुए तो हम लोग पांच बजे तक आईलैंड पे पहुंच जाएंगे

बट अगर आप तब भी मेहनत कर रहे हो आप तब भी स्ट्रगल करते जा रहे हो सो एट दी एंड यू विल बी सक्सेसफुल नो मैटर वॉट ठीक है बच्चों पार्टी इज इट क्लियर समझ में आया पे रहते थे उन लोगों ने भी इनकी मदद करी बाहर निकलने में द होल टीम द फैमिली स्टॉप ट्राइंग ये सबसे मेजर बात है इन्होंने कभी भी कोशिश करना बच्चों बंद नहीं करा एंड देर स्ट्रगल एंड वर्क फाइनली सेव्ड आपने सुखोई एकेडमी छोड़ दिया है क्या Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कवरिंग ट्यूट पे अब डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कॉन्टिन्यू सागा इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी ठीक है अब डिस्कवरिंग ट्यूट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमें हिस्ट्री की तरफ लेकर जाता है और हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है किंग के बारे में जिसका नाम है तूतिन खामू ये क्या है लास्ट रूलर है किसका लास्ट रूलर था किसका डायनेस्टी का इन इजिप्ट अच्छा हमने के बारे में तो सुना होगा वो मम्मी नहीं जो हमारे घर पर होती है बट मम्मीज है ना जो पूरा से कवर्ड होती है इजिप्ट में काफी ज्यादा फेमस है ना कि पहले के राजा जो मर जाते थे उन्हें कॉफिन में पूरा उनकी बॉडी को ऐसे बांध के रख दिया जाता था पता होगा ना सभी को यस हां जी यस और नो हाँ सो so यहाँ पर ही वोज अ टीनेजर अब यहाँ पर भी ये कहानी यू uh, नो you know, राजा के बारे में है ट्यूट के बारे में है ट्यूट की मम्मी के बारे में ट्यूट की मम्मी मतलब माँ नहीं ट्यूट की बॉडी ठीक है so सो ध्यान रखना है एक राजा था बहुत ही छोटा सा राजा टीनेज आप लोगों की उम्र जितना ठीक है आपसे भी छोटा

ठीक है एंड इसकी जो फैमिली है उन्होंने भी काफी सेंचुरी तक वहां पर रूल करा 1922 में इसका जो टूम था यानी कि जहां इसे दफनाया गया था उसको डिस्कवर किया गया किसने हार्वर्ड कार्टर ने ये एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था इसने इसके जो टूम है उसका पता लगाया था इसको डिस्कवर किया था एंड 80 साल बाद यानी कि 1922 इसकी डिस्कवरी पता चल गया कि ये यह यहाँ पर है उसके 80 साल बाद इसको सीटी स्कैन के लिए लिया गया था ठीक है मतलब ये पहले तो मशीन नहीं थी ना एक्सरे की सीटी स्कैन की आप देखते हो आजकल हॉस्पिटल्स में मशीन है राइट सीटी स्कैन हो जाता है एक्सरे हो जाता है फलाना हो जाता है होता है कि नहीं होता राइट पहले के टाइम पर नहीं था पहले के टाइम पर हमें रीजन पता नहीं चल पाता था भाई अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो क्यों हुई है आज के टाइम पर हमें रीजन पता चल जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो क्यों हुई है राइट तो अभी क्या हुआ जब पता लगाया गया कि इसकी बॉडी यहाँ पर है आर्कियोलॉजिस्ट से पता लगाया कार्टर ने पता लगाया तो उसके 80 साल बाद जब सीटी स्कैन का इन्वेंशन हो गया तो इसकी बॉडी को लेकर जाया गया ताकि इस मिस्ट्री का पता लगा पाए कि इसकी डेथ आखिर हुई कैसे क्योंकि इसकी डेथ हमेशा से ही एक इतिहास में एक मिस्ट्री बनाई हुई थी कि भाई आखिर ये मरा तो मरा कैसे ठीक है चलो सो शुरू करते हैं पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में सो ट्यूट के जो फादर या ग्रैंडफादर थे अमिनो तो अब थर्ड वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे ठीक है अपने टाइम के जिन्होंने 40 साल रूल करा था ठीक अब उनका एक बेटा था अमिनो तो अब फोर करके ठीक है जिसने आगे इनके बाद जो राजा बना और इसने क्या करा जिप्ट की हिस्ट्री में ना एक बहुत ही अजीब सा पीरियड ये लेकर आया ये बहुत अच्छे रूलर थे जिन्होंने 40 साल रूल करा इसके जो ग्रैंडफादर थे उसने सारी अपनी चीजें लोगों पर इम्पोज करना शुरू कर दिया मैं जिस भगवान को मानता हूँ वो, वो तुम्हें भी मानना पड़ेगा बाकी सारे भगवान के मंदिर तोड़वा दिए बाकी सारे रिलीजन को यू नो डिमिनिश कर दिया जो मैं चाहूंगा वही होगा तो एक बड़ा ही अजीब सा पीरियड इजिप्ट में आ गया समझ में आ रहा है क्लियर अब आगे क्या हुआ ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन यानी कि सन सन को बहुत मानता था एटेन को तो उनकी जो वर्शिप है वही करता था उन्हें ही पूछता था उन्हें ही प्रमोट करता था उसने अपना नाम भी अखनेतन कर लिया ठीक है जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन यानी कि सन का सर्वेंट उसने रिलीजियस कैपिटल थीप से क्या कर दिया अखनेतन कर दिया एंड फर्दर उसने आमन यानी कि जो दूसरे भगवान थे उनकी सारे जो मूर्तियां थी, थी, थी इमेजेस था ट्यूट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ट्यूट ने जो रूल करा वो काफी कम करा क्योंकि उसकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई एंड उसकी डेथ एक मिस्ट्री है जिसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है इतना समझ में आया सभी को Guys, is it clear? Pro, बेटा के दो मतलब होते एक होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला पैसे खर्च करने वाला एक होता है जो आपकी में है कि अपने माँबाप की बात को ना मान के उनके खिलाफ जाकर कुछ कर लेना ठीक है ऐसा बेटा ऑल राइट right, अब आगे क्या होता है नेक्स्ट ट्यूट जब गद्दी पे बैठता है वो नौ साल के लिए रूल कर पाता है बस क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है अब उसने क्या करा जैसे पहले सिस्टम था उसे ही सब करा यानी कि जो इसने मंदिर तुड़वा दिए थे वो उसने दोबारा बनवाए जो इसने भगवानों को बंद कर दिया था पूजवाना ट्यूट ने बोला जिसको पूजना है आप उसको पूजिए तो इसने दोबारा से रिवाइव करी सारी ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड ओल्ड ट्रेडिशंस बट इसकी जो मौत थी वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई किसी को पता नहीं चला कैसे मरा ठीक है अब क्या होता है जब ट्यूट की बॉडी को मतलब दफनाया जा रहा था कॉफिन में ममी फाई किया जा रहा था बांधा जा रहा था पूरा मम्मी बनाया जा रहा था तो क्या क्या हुआ अभी हम देखेंगे तो जब इसकी बॉडी मिली ना जब कार्टर ने पता लगाया कि अरे ये यहाँ पर है और इसकी बॉडी मिली खोला गया कॉफिन को तो उसमें पता क्या देखा गया कि अंदर बहुत सारा सोना है वेल्थ है रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो है रेजर है गेम्स हो गया कपड़े हो गए खाना हो गया वाइन हो गया सब है तो जो कार्टर है जो ब्रिटिश है वो काफी सालों से इसको पीछे लगा हुआ था डिस्कवर करने की ये कि कि कहा दफनाया हुआ है फाइनली इसको मिला था ये तो पहले के टाइम पर क्या होता था ना जब भी कोई राजा मरता था ये जो इजिप्ट के लोग थे ये आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे बेटा एक एक बात को ना ध्यान से सुन लो हर एक लाइन आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगी ठीक है फिर आप लोग बोलते हो कि अरे यार क्या लिखे समझ नहीं आ रहा तो खाली खा, ऐसे ऊपर ऊपर से मत सुनिए एक एक लाइन को डीप में सुनिए एक एक लाइन आपकी हेल्प करेगी सो so, इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा ये जो है ना इन्हें पकड़ लीजिए लिख लीजिए आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी एक दुनिया है ठीक है तो वो लोग क्या करते थे उन्हें लगता था राजा को जिस जिस चीज की जरूरत होगी वो सारी चीजें उसके साथ वो पैक कर दिया करते थे ठीक है सोना उन्हें बहुत पसंद था सोना मतलब ऐसे नहीं गोल्ड तो एक तो हर चीज गोल्ड की ऊपर से डेली आइटम्स कपड़े वाइन खाने का सामान रोज डेली मर्रा के जितनी भी चीजें वो सब दफना देते थे उन्हीं के साथ ही ठीक है सो आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स ही डिसाइडेड टू तो इन्वेस्टिगेट थ्री तो इसकी बॉडी को ना तीन कॉफिन के अंदर पैक किया गया था यानी कि पहले कॉफिन में डाला उस कॉफिन को दूसरे में फिर उसको तीसरे में तो ऐसे तीन कॉफिन के अंदर इसकी बॉडी मिली थी सम पार्ट्स ऑफ द द ट्रेजर्स इन वर ऑलरेडी अब कार्टर ने क्या करा उसको लगा यार इतना सारा यहाँ पे खजाना है इसको सेव करना चाहिए है ना ताकि आगे लोग और रिसर्च कर पाए वरना तो ऐसे तो कोई ना कोई पता चलेगा ये लोग तो लूट के ही ले जाएंगे इसको राइट तो उसने सोचा कि इसकी बॉडी में ये जितने भी सोने पहना रखे गोल्ड के आइटम्स हैं ये सारे ना निकालने चाहिए ठीक है अब क्या हुआ हिस्टोम ट्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड छब्बीस फीट अंडरग्राउंड इसको गाड़ा गया था और अंदर आप जाओगे तो आपको वॉल पेंटिंग्स दिखेंगी आउटर कॉफिन पे जो ट्यूट का फेस है वो बना हुआ था गोल्ड से अब पहले कॉफिन में जैसे उसने पहला कॉफिन खोला उस, उसे मालाएं मिली माला किस फूल की थी ऑलिव की लोटस पेटल की कॉर्न फ्लास की अब ये जितने भी फ्लावर्स है ना ये केवल मार्च या अप्रैल के समय ही मिलते हैं तो उसने इस बात का तो पता लगा लिया कि इसे जब गाड़ा गया था तो मार्च या अप्रैल में ही इसकी मौत हुई थी क्योंकि ये वाले फ्लावर्स तभी अवेलेबल होते हैं अब क्या हुआ जो थर्ड और फाइनल कॉफिन था ना उसमें बहुत ज्यादा ट्रबल हो गई उसे क्योंकि उसकी बॉडी को वो निकाल ही नहीं पा रहा था उन्होंने कुछ गम का उपयोग करके उसकी बॉडी को नीचे था कि उसकी बॉडी बाहर निकले ही ना द रिजन यूज टू सीमेंट टू बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्ड एंड इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव तो जो गोल्ड का कॉफिन है ना उसमें इस तरीके से उसे सीमेंटेड करके लगा रखा है कि उसकी बॉडी बाहर आ ही नहीं सकती बट तो कुछ भी काम नहीं किया अब क्या होता है यहाँ पर फाइनली उसे हैमर की मदद से और टूल्स की मदद से उसकी बॉडी पार्ट को कट कर करके समान निकालना पड़ा और फिर वापिस से उसकी बॉडी को जोड़ के लगाना पड़ा एक नॉर्मल वुड के बॉक्स में

हर ज्वाइंट से जो सोना वोना था सारी जगह उसे निकाला एंड देन उसके बाद आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट इन्होंने क्या करा एक वुडन एक सिंपल वुडन बॉक्स में एक सैंड की लेयर बिछाई और सारे के सारे जो बॉडी पार्ट है वो फिर से लगा दिया और उसकी बॉडी को रख दिया ठीक है अब आगे क्या हुआ 1922 में ये सब हुआ 1968 में, जो मम्मी की बॉडी है एक एनेटोमी प्रोफेसर थे ठीक है तो एक्सरे के लिए ले जाया गया क्योंकि उससे पहले एक्सरे वगैरह नहीं होते थे तो इसकी बॉडी को एक्सरे एक्स के लिए ले जाया गया जिससे कि कुछ फैक्ट पता चले फैक्ट क्या थे आपको याद रखने हैं कि इसका जो ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स है ना दे आर मिसिंग ठीक है जो ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स है वो नहीं है वो मिसिंग है एक्सरे में है ही नहीं लेटर जनवरी फाइव टू थाउजेंड में ट्यूट की बॉडी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया जिससे की सिटी स्कैन क्या होता है छोटे छोटे हंड्रेड ऑफ एक डिटेल अंदर तक की निकल कर आती है ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल में इसकी डेथ किस कारण से हुई थी द नाइट ऑफ द स्कैन स्कैनर जब इसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था तो इसकी बॉडी को जो लोग है वो इसके टोम से निकाल कर बाहर ला रहे थे अब स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया ठीक है जिसकी वजह से प्रोसीजर रुक गया तो अलग अलग स्पेक्यूलेशन करने लग गए लोग के भाई शायद ये इसका श्राप है है ना कि कोई भी इसकी बॉडी को छुएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा इसीलिए ये सब हो रहा है बट आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस एक्चुअली स्कैनर ने वर्क करना क्यों बंद किया था उसमें सैंड चला गया था तो इन्होंने किसी तरीके से सीटी स्कैन को किया आफ्टर थ्री आवर्स तीन घंटे के बाद एक एक बॉडी पार्ट का जब सीटी स्कैन हो गया तो उसकी बॉडी को वापस उसके चुम में रख दिया गया ठीक है बस आगे अभी हमें कुछ भी नहीं बताया इस चैप्टर के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट यही है आ, आफ्टर लाइफ वाली बात आपको याद रखनी है ठीक है ट्यूट से रिलेटेड बात रखनी है कार्टर ने उसकी बॉडी को क्यों डैमेज करा ये आपको याद रखना है आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने कार्टर को यू नो क्रिटिसाइज भी किया कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मे बी उसके इंटेंशन सही थे बट उसे कोई और तरीका निकालना चाहिए था उसे बॉडी को डैमेज नहीं करना चाहिए था क्लियर गाइस आगे चले लास्ट चैप्टर चैप्टर पे दी एडवेंचर शुरू करें अब इस में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते मैंने आपको ये क्योंकि ये काफी बड़ा है और इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है और इसका अन सोल्व एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है कि प्रोफेसर गायतोंडे की जेब में वो पेपर कैसे आया राइट कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब मैंने ये लाइन बाय लाइन पढ़ाया था तो क्लास को अटेंड करा था हाउ मेनी ऑफ यू आर देर एक बार फटाफट से बता दो मैं तो आपको कह रहा था खाना खाने के लिए अच्छा ठीक हाँ जी कितने ऐसे बच्चे एक बारी जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चे शुरू से क्लास में बने हुए ये भी बता दो ठीक है कुछ ने करा है कुछ ने नहीं भी करा है एक सेकेंड देना ट्यूट hmm. का जो सीटी स्कैन है वो हुआ था 2005 okay? 5th 2005 ओके दिस इज़ जनवरी ऑलराइट ये याद रखना चलो सो so, शुरू करते हैं यार हम लोग दी एडवेंचर चैप्टर को अच्छा ये ना मैंने स्पेशली ये स्लाइड आप लोगों के लिए रखा है ये स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करेगा ये स्लाइड्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगी मैं ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ तो यार देखो कुछ याद करो या मत करो इस चैप्टर से रिलेटेड इस स्लाइड को प्लीज रट लेना ठीक है इस स्लाइड को याद कर लेना क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज लिख दी है ना मैंने कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स में पूरे नंबर दिलवाने में ये मदद करेगा ठीक है

और यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है गंगाधर पंत ठीक है जिन्हें प्रोफेसर भी बोला जाता है ठीक है जिनमें ऐसा दिखाया गया है कि इन्होंने टाइम ट्रैवल करा एंड ये सोचते हैं कि भाई अगर इंडिया इंडिया पे कभी ब्रिटिशर्स ने रूल ही नहीं किया होता तो इंडिया कैसा होता आजाद इंडिया कैसा होता उसको ये सोचते हैं तो जो स्टोरी है ये एक पैरेलल हिस्ट्री हमें दिखाती है जहां पर मराठाज ने बैटल ऑफ पानीपत को जीता था अभी हम लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में मैं आपको ये चैप्टर कराने वाली हूं। प्लीज ढंग से सुन लो मैं रिक्वेस्ट कर रही ठीक है तो ये जो कहानी है ये हमें दिखाती है कि अगर मराठाज एक्चुअली हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें मराठास हार गए थे बट यहां पर हम देखेंगे कि मराठास जीत गए थे ठीक है तो Uh, बताया गया है कि कैसे बैटल ऑफ पानीपत जीते एंड कैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था पैरेलल वर्ल्ड में यहां पर तो इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं था ना पहले हमें आजादी हमने ली है बट बोला गया अगर कभी रूल हुआ ही नहीं होता तो इंडिया कैसा होता तो स्टोरी एक्सप्लोर करती है आइडिया ऑफ पैरल वर्ल्ड एंड आज कि देर आर अदर वर्ल्ड आर डिफरेंट फ्रॉम आर ओन तो कभी ऐसी थोड़ी बहुत मूवीज भी बन जाती है ना और कभी हम सोचे तो बड़ा अजीब भी लगता है सोच के कि सोचो अभी हम इस वर्ल्ड में है हो सकता है कुछ अलग वर्ल्ड भी चल रहा हो जिसके बारे में हमें ना पता हो है ना कोई अलग दुनिया भी हो जिन्हें हमारे बारे में ना पता हो और हमें उनके बारे में ना पता हो हो सकता है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है राइट सो द स्टोरी आल्सो एक्सप्लोर्स द आईडिया ऑफ फ्री विल एंड फेट प्रोफेसर गायतोंडे थिंक्स दैट दिस एडवेंचर वाज मेंट टू हैपन टू हिम द स्टोरी एक्सप्लोज द आइडिया ऑफ बाइफर्केशन बिटवीन टू वर्ल्ड्स दो अलग-अलग वर्ल्ड को दिखाती है एक हमारे वर्ल्ड को यानी कि वो भारत जो आजाद नहीं था और एक वो वर्ल्ड दिखाती है जिसमें भारत आजाद था विद अ कंप्लीट डिफरेंट हिस्ट्री तो ये स्लाइड को आप लोग प्लीज देख लीजिएगा इसको हम लोग अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे दी एडवेंचर हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू करते हैं

ड्यूरिंग द जर्नी अब ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच रहे कि मैं ना लाइब्रेरी जाऊंगा और मैं हिस्ट्री बुक्स के बारे में पढ़ूंगा मैं राजेंद्र देश पांडे जो कि इनके दोस्त हैं उनसे भी बात करूंगा अब ट्रेन के अंदर वो खान साहिब से मिलते हैं खान साहब कौन है एक अलग ट्रेवलर है जो की कहा जा रहे हैं पेशावर जा रहे हैं ठीक है और खान साहिब अलग अलग इन्हें कहानियां बताते हैं एंडलेस स्टोरीज ऑफ द लाइफ इन इंडिया दैट सो डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया ही न्यू अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैं बता देती हूँ प्रोफेसर गायतोंडे कोमा में है ठीक है प्रोफेसर गायतोंडे का एक्सीडेंट हो चुका है अभी आपको आगे पता चलेगा और वो कोमा में है मतलब दुनिया के लिए वो बेहोश लेटे बट उनके अंदर वो एक अलग वर्ल्ड में पहुंच गए हैं ठीक है जैसे हमें सपने आते हैं अब सपने में तो कुछ भी हो सकता है राइट अब जैसे परसों ही मेरे को आ, सपना आया एक आ,

कि अंग्रेजों ने हम पे रूल करा और रूल करने के बाद यू नो हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सताया हमने लड़ाई लड़ी और हम जो है, वो जीत चुके हैं अभी आगे पता चलेगा तो यहाँ के इंडिया पे ना अंग्रेजों का रूल नहीं है तो खान साहब उन्हें अलग अलग चीजें बताते हैं किसके बारे में इंडिया के बारे में बट वो इस इंडिया को जानते ही नहीं है जो खान साहिब बात कर रहे हैं ठीक है अब वो सोचते हैं कि यार मैं बॉम्बे जा रहा हूँ पहली बार तो मैं ना वहाँ जाकर मतलब देखता हूँ कुछ बुक्स वगैरह पढ़ूंगा बुक्स में ही पढ़ के मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ दिस इंसिडेंट इज अ क्लियर मार्कर अब इस इंसिडेंट से ये तो समझ आ जाता है कि कुछ तो ट्रांजिशन हुआ है ठीक है अब वो क्या करते हैं विक्टोरिया टर्मिनस पे पहुंच जाते हैं है, बॉम्बे आ जाता है और उन्हें हेडक्वार्टर दिखता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सबने सुना होगा अंग्रेजों का है ना तो उन्हें दिखता है उनका मेन ऑफिस दिखता है प्रोफेसर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद हो गई थी इवेंट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन है ना अंग्रेज तो चले गए थे तो वो बोल रहे हैं अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है तो वो देखते हैं कि कंपनी तो अच्छे से चल रही है बिल्कुल तो तब उन्हें समझ में आता है कि हिस्ट्री चेंज हो गई है यानी कि जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूं इंडिया की कि अंग्रेज चले गए थे अंग्रेज तो अभी भी मुझे यहां दिख रहे तो हिस्ट्री में कुछ तो चेंज आया है अब वो क्या करते हैं रोड पे वॉक कर रहे होते हैं तो उन्हें यू नो ऑफिस दिखते हैं बिल्कुल बॉम्बे को ऐसा बना रखा होता है जैसे कोई फॉरेन कंट्री हो ठीक है तो अदर ब्रिटिश बैंक्स दिखते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स दिखते हैं तो वो फॉर्स की बिल्डिंग में जाते हैं और वहां पे रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि मुझे विनय गायतोंडे से मिलना है विनय गायतोंडे इनका बेटा होता है जो एक्चुअल वर्ल्ड में यहाँ पे जॉब करता है बट क्योंकि अब ये किसी और वर्ल्ड में है तो वहां पे फॉर्ब्स की बिल्डिंग तो है बट विनय गायतोंडे नहीं है कोई वो बोलते कौन विनय गायतोंडे

सो so, अब वो क्या करते हैं लाइब्रेरी जाते हैं उन्हें लगता है देखो हर चीज बुक्स में लिखी होती है अगर मैं किसी ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ ऐसे इंडिया में पहुंच गया हूँ जहाँ का इतिहास कुछ और है जहा की हिस्ट्री कुछ और है तो मुझे ना बुक्स में पता चल जाएगा तो अभी वो जाते हैं टू द लाइब्रेरी ऑफ द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ हिस्ट्री कि ये जो ऑल्टरनेट मतलब ये जो हिस्ट्री का एक अलग वर्जन मेरी आंखों के आगे आया है जो हिस्ट्री का एक अलग साइड मेरी आंखों के आगे आया है ना मैं इसको समझने के लिए लाइब्रेरी में जाता हूँ

वो बोलते हैं जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूं उसमें तो मराठा हार गए थे बट यहाँ पर जिस वर्ल्ड में मैं हूं अगर अभी मैं इस, इसकी हिस्ट्री देख रहा हूं तो यहाँ मराठा जीत गए थे अच्छा अब आप लोग ध्यान दो ठीक है आप लोग ध्यान दो और मुझे एक बात बताओ अगर हिस्ट्री में कोई भी छोटा भी चेंज होगा तो वो आगे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा कि नहीं जल्दी बताइए इन द कमेंट सेक्शन यस और नो अगर हिस्ट्री में कुछ भी चेंज होगा पास्ट में तो वो फ्यूचर पे अफेक्ट करेगा कि नहीं मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बंद हो गई बट अगर आपकी लड़ाई हुई नहीं होती है ना तो आपकी बात ही नहीं बंद हुई होती बात नहीं बंद हुई होती तो आप आज भी घूम रहे होते तो मतलब एक छोटे से इवेंट से पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो चेंज होता है राइट वैसे ही यहां पर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्या है याद रखिए बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ पानीपत में Marathas जीत गए, से पूरे इंडिया की हिस्ट्री बदलती हुई क्या क्या बदला हम देखेंगे ध्यान से सुनना गंगाधर पंत रियलाइज ही वाज रीडिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग बोल रहा है कि यार ये लिखा तो मैंने और मैं ही खुद पहली बार पढ़ रहा हूं इस बुक को हाँ ना मैंने कब लिखा कि पानीपत पा, बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत गए द बुक मेंशन अब बुक में लिखा था कि जो मराठा आर्मी थी जिसे सदाशिव राव भाव और विश्वास राव यू you नो know, लीड कर रहे थे वो लोग जीत गए थे अब जब वो लोग बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत जीत गए तो मराठा की सुप्रीमिसी बन गई नदर इंडिया में है ना कि नॉर्थ साइड में यहाँ पर मराठा रूल करने लग सुप्रीम हो गए वो लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपैंड हो रही थी जो हर जगह रूल कर रही थी वो नॉर्थ साइड रूल नहीं कर पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था ब्रिटिशर्स ने धीरे 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 हमें डिवाइड एंड रूल करके अपना कब्जा कर लिया था यहां पर क्या लिखा है बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की जीतने की वजह से नॉर्थ साइड में नॉर्थ इंडिया में उनकी सुप्रीमिसी मराठास की बढ़ने लगी अब क्योंकि की बढ़ने लगी तो वहां पर जो ब्रिटिश ब्रिटिश वो अपने प्रोग्राम को नहीं कर माधवराव के विश्वासराव गद्दी पे बैठ गए अब उनके जो भाई थे माधवराव उन्होंने मिलकर अपना इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे इंडिया पे कर लिया सोचो so, एक हिस्ट्री में चेंज आया बैटल ऑफ पानीपत जीत गए तो आगे क्या होता गया आगे धीरे धीरे यहां पर इस वर्ल्ड में क्या बताया गया इस वर्ल्ड में बोला गया है कि भाई माधव राव के साथ मिलकर उन्होंने पूरे इंडिया पर मराठास का रूल हो गया यानी कि ब्रिटिशर्स हट गए ठीक है तो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉल हो गई यानी कि गिर गई ब्रिटिशर्स हट गए द रूलर्स फ्रॉम पुणे नोटिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज कि जो पुणे में जो रूलर्स थे हमारे इंडिया के ही रूलर्स उन्होंने नोटिस किया कि कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी आ रही है तो उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेंटर्स इस्टेब्लिश करना शुरू करें

रूलर्स है इंडिया के वो बहुत स्मार्ट हो गए उन्होंने ब्रिटिशर्स को घुसने ही नहीं दिया ठीक है वो ब्रिटिशर्स से कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो जो ब्रिटिशर्स का जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और मराठास का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वो बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए ठीक है।, है समझ में आया अब आगे क्या हुआ गंगाधर पंत फॉदर रेडूस ने आगे पढ़ा कि भाई क्या क्या चेंजेस आए ट्वेंटी में कि 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 चलता रहा सेंचुरी सेंचुरी हिस्ट्री तक आ गया है 20th में क्या-क्या चेंजेस आए जो पेशवास थे दे देयर एंटरप्राइज एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज धीरे-धीरे राजाओं का जो राज था वो कम हुआ एंड गवर्नमेंट सरकार आने लग गई ठीक है, no तो है वो भी धीरे धीरे कम होती रही है उसने पढ़ा तो गंगाधर पंत ने अप्रिशिएट करा इंडिपेंडेंट इंडिया को तो वो जो ये हिस्ट्री पढ़ रहा था उसे बड़ा मजा आ रहा था कि हमारी इंडिया तो इसमें इंडिपेंडेंट है है ना इसे व्हाइट मैन ने रूल ही नहीं करा अब कमर्शियल रीजन की वजह से कुछ बिजनेस रीजन की वजह से अलाउ किया गया ब्रिटिशर्स को कि आप केवल बॉम्बे में अपना एक ऑफिस खोल सकते हो बस जो इसने हेडक्वार्टर देखे थे ना अभी एंटर होते ही से लगा रहे ब्रिटिशर्स अभी भी है तो अभी भी क्यों है क्योंकि सिर्फ बॉम्बे में तब अलाउ किया गया था ट्वेंटी सेंचुरी में कि आप बॉम्बे में अपना काम कर सकते हो बाकी आपका रूल कहीं भी नहीं होगा अब वो क्या करता है एक और बुक में देखता है जिसका नाम होता है भाव साहब बच्ची बाकर ठीक है अब इसमें वो ये पता लगाना चाहता है कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीते तो जीते कैसे सो so अब वो डिटेल्स देखता है बैटल ऑफ पानीपत की और उसे पता चलता है कि जो एक्चुअल में क्या हुआ था विश्वास राव को गोली लग गई थी बट यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड में वो पड़ता है कि विश्वास राव पे जब गोली चली तो गोली कान से टच होके निकल गई यानी कि विश्वास राव बच गया as gangadhar pant was leaving the library he absent mindedly put bakhar into his left pocket अब यहाँ पर बेसिकली उसे कारण पता चल गया ना बैटल ऑफ पानीपत क्यों जीता इंडिया तो एक्चुअल रीजन क्या था मराठा हार गए थे क्योंकि विश्वास राव को गोली लग गई और उनकी आर, अब जब लीडर को ही गोली लग गई तो आर्मी का जो मोराल था वो डाउन हो गया और वो हार गए बट इन द रियल वर्ल्ड गोली लगी ही नहीं वो बच गए तो जीत गए अब क्या हुआ जब उन्होंने सब पढ़ लिया तो उन्हें ध्यान नहीं रहा उन्होंने बुक के पेजेस को एक एक जेब में और बुक को दूसरे जेब में डाल लिया ठीक है अब वो वहां लाइब्रेरी से निकल गए क्योंकि टाइम अप हो गया था और उन्होंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में जाकर बुक को लौटा दूंगा अब जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाना वाना खाया तो प्रोफेसर ऐसी आजाद मैदान की तरफ घूमने लगे अब आजाद मैदान चले जाते हैं और वहां पर वो जाकर देखते हैं कि एक लेक्चर हो रहा है लेक्चर मतलब एक भाषण दिया जा रहा है बट गंगाधर पंत की जो नजर है ना वो ऊपर स्टेज पे है ऐसा क्या हो रहा था बच्चों बेटा प्लीज पैम मत करिए बेटा प्लीज पैम मत करिए आप जब स्पैम करते हो तो आप ही की इमेज जो मेरी नजरों में आपकी छवि है वो गिर जाती है क्यों क्योंकि मुझे दिखता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो तो मुझे दिखता है कि आप केवल यही करने आए हो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट आपकी तो मेहनत नहीं लग रही है ना आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही है इस चीज में आपने आप कौन सा बार बार लिख रहे हो आप पांच बार लिखोगे आप इरिटेट हो जाओगे आप लिखोगे ही नहीं आपने कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट आप किए जा रहे हो बार बार बट मैं यहाँ पर एक्चुअल में पहुंचता है वो स्टेज को देखता है प्लेटफॉर्म को देखता है अब वो देखता है, जो guest, जो है वो तो खाली है वो बोलता है कोई चीफ गेस्ट नहीं है मतलब एक लेक्चर हो रहा है चीफ गेस्ट तो होना चाहिए है ना तो यहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड में कोई चीफ गेस्ट नहीं है चेयर खाली है

कि हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए हमें सिर्फ स्पीकर की बात सुननी है इट ठीक है है एक्चुअल इस इंडिया में ऐसा नहीं बट वहां की इंडिया में कुछ ज्यादा ही लोग है। so, लोग मॉडर्न सो उस अंडे टमाटर सब फेंकने लगते हैं और ऑडियंस उसकी तरफ जाती है है और उसे उठाकर फेंक देती आजाद मैदान से बाहर बस जैसे ही उसे बाहर फेंका जाता है वो कोमा से बाहर आ जाता है मतलब अपनी रियालिटी में आ जाता है समझ में आया तो एक्चुअल में वो कोमा में था जब उसने किसी और वर्ल्ड में ट्रैवल करा ठीक है उसकी बॉडी यही थी समझ में आया तो अब एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो रियलिटी में आ जाता है ठीक है अब जहां पर गायतोंडे राजेंद्र देश पांडे से मिलना चाहता था अपने दोस्त से मिलना चाहता था सो राजेंद्र जो है वो गायतोंडे से पूछता है कि अरे तुम्हारा जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जब तुम कोमा में गए जब ट्रक से एक्सीडेंट उससे जस्ट पहले तुम क्या सोच रहे थे

समझ रहे हो तो ये अपने एक्सीडेंट से पहले ये सोच रहा था उसके बाद याद है उसने पेज डाला था जेब में अब आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार पेज कहां से आया फिर अगर वो कहीं पैरेलल वर्ल्ड में था तो पेज कहां से आया अभी मिलेगा इसका जवाब हां वो एक पेज दिखाता है भक्कर का फाड़ा हुआ पेज फाड़ा हुआ कि भाई ये देखो ये पेज है मेरे पास बुक तो कहीं गिर गई है आजाद मैदान में, में बट ये पेज है जहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे विश्वास राव को यू you नो know, गोली नहीं लगी थी एंड बैटल ऑफ पानीपत जो जो था वो जीत गए थे अब बेसिकली ये पेज से आता है जब एक्सीडेंट से पहले वो अपने नोट्स बना रहा होता है वो एक्चुअली एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहा होता है ठीक है और लेक्चर डिलीवर किस पे करने जा रहा होता है इसी पे कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी पे कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत गए तो क्या हुआ होता है तो वो अपने राजेंद्र देश पांडे उसके आगे दो साइंटिफिक थ्योरीज रखता है बोलता है यार देखो होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बट मैं ट्राई करता हूँ अपना लॉजिक देने का समझाने का ट्राई करता हूँ साइंस की मदद से कि शायद तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा तो राजेंद्र बोलता है यार देखो एक तो कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी हो सकता है ना कि कैसे कोई को? तो पूरे पूरे को तो पूरा पूरा इंडिया का वही बदल गया तो हेयर बैटल ऑफ पानीपत जो विश्वासराव ने जीत लिया था उससे पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल गया इस हद तक बदल गया कि इंडिया पे कभी ब्रिटिशर्स का रूल ही नहीं था राइट

लैक ऑफ़ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी अब ये क्या होता है देखो ज्यादा साइंस में अपने को नहीं जाना ठीक है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा बस आपको समझना है तो वो बताता है कि देखो जैसे न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हा ना वो कहीं पर भी कभी भी जंप कर सकते हैं ये वाला यहां जा सकता है हाई एनर्जी में ये यहाँ आ सकता है तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पता नहीं है तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी पोजीशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वैसे ही वो बोल रहा है कि शायद अलग अलग रियालिटीज एग्जिस्ट करती है ना कि ये एक रियलिटी है दूसरी रियलिटी है तीसरी अलग अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं बट हम एक टाइम पर एक ही वर्ल्ड में होते हैं हो सकता है और भी वर्ल्ड हो हो सकता है कहीं ऐसा भारत भी हो जिसपे ब्रिटिशर्स ने रूल ना किया हो तो वो बोल रहे होने को कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हो सकता है तुमने एक अलग वर्ल्ड तुम ट्रैवल करके आए हो अपने दिमाग के अंदर तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स ने तुम्हें तभी हिट किया क्योंकि तुम अपने एक्सीडेंट से पहले तो यही सोच रहे थे ना सब कि बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठास जीत गए होते तो क्या होता तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही लेकर गया राइट होता है ना जो आप पूरे दिन सोचते हो आपका दिमाग रात में सपने में आपको वही चीजें दिखाता है यस और नो अब मैं मैं बता देती हूँ अपने सपने के बारे में जो मैं कुछ देर पहले डिस्कस कर रही थी मैं क्या हो रहा था यूट्यूब पे ना रील्स आ रही थी मेरे काफी दिनों से जिसमें ना वो छोटे से कान्हा की आ, मूर्ति दिखा रहे थे उनको ऐसे दूध वगैरह कुछ पिलाते हुए ठीक है तो आ, बहुत सारे लोग आ, मतलब ऐसी वीडियोस थी कि वो एक्चुअल में पी रहे वो दूध एक्चुअल में पी रहे

जो बात को हम भूल चुके हैं ना हमारा दिमाग में कब वो ट्रिगर होकर हमारे सामने आ जाए हमें नहीं पता राइट गॉट इट तो यहां पर भी यही हो रहा है वो बोल रहा है सोच रहा था तेरे ब्रेन ने वही वही चीज ट्रिगर करी होगी और तू सब सोचने लग गया उसी पैरेलल वर्ल्ड में चला गया उस वर्ल्ड में चला गया जहां पर एक्चुअल में जो तू सोच रहा था वही रियलिटी थी ठीक है तो वो बोल रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहीं पर भी उछल जाते वैसे शायद हमारी रियलिटीज भी होती है बहुत सारी बट हम एक टाइम पर एक ही जगह रह सकते हैं

ये जो दो अलग अलग वर्ल्ड थे ये कहां पर चेंज हुए बैटल ऑफ पानीपत पे राइट right? तो अब वो बोलता है ना तो वो पास्ट में गया ना ही वो फ्यूचर में गया है ना जो गायतोंडे था ना ही उसने टाइम ट्रेवल कि पास्ट में चला गया फ्यूचर में नहीं वो एक अलग पैरेलल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करके आया है अपने दिमाग के अंदर ही ठीक है

अब उसका भी टॉपिक क्या था यही थ्योरी वाला बैटल ऑफ पानीपत वाला बट वो अब आजाद तो तो मैदान में ही देकर आ चुका हूं वहां से लोगों ने मुझे मार के भेज दिया अब मैं कोई भी लेक्चर नहीं दूंगा क्या ये चैप्टर सभी को क्लियर है लास्ट चैप्टर पे चले सिल्क रोड लास्ट चैप्टर ऑफ ऑनबिल गाइज प्लीज डू लेट मी नो इन द सेक्शन इफ दिस इज क्शन्यूटली क्लियर ठीक है किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना इस चैप्टर में चलो तो अब हम लास्ट चैप्टर पे चलते हैं सिल्क सिल्क रोड रोड एक ऑग है ठीक है ये निक मिडिल ने लिखा है और ये एक ट्रेवलॉग है ट्रेवल क्या होता है जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो मान लो मैं यहां से मनाली जा रही हूँ अब मैं अपनी जर्नी के बारे में लिख रही हूँ ठीक है जैसे कि हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई था कि भाई क्या-क्या मुश्किलें आईं कहाँ से मैंने शुरू करा क्या मुझे रास्ते में दिखा मैं वो सारा एक व्लॉग टाइप का बना रही हूँ, ठीक है गॉट इट इंग्लिश के पेपर में मजा मचा के आएंगे बिल्कुल मचा के ही आना है ऑल राइट right. अभी मैं बीमार पड़ी थी ना जुखाम हुआ था तो ज्यादा बोलने से ना पता नहीं क्या मेरी नाक ब्लॉक हो जाती है

निकलते हैं निकलने से पहले ये लोग टेंट में स्टे करते हैं तो वहां की जो होस्ट होती है लामो वो इनको क्या देती है एक लॉन्ग स्लीव शीप स्किन का बना हुआ कोट के ऊपर ठंड होगी कैलाश की तरफ तो आप ये कोट ले लो एज अ गिफ्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट और वो क्या करते हैं एक ड्राइवर हायर करते हैं जिसका नाम होता है ठीक है तो वो अपनी कार में लेकर जाता है और वो अपने साथ डेनियल को भी लेकर चलते हैं डेनियल कौन है उनका दोस्त है जिसे वो आगे जाकर उतार देते हैं तो ये सारे कैरेक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं एक बार फटाफट -पड़ से ध्यान देना तो सबसे पहले ऑथर है ऑथर कौन है हमारा प्रोफेसर है ऑफ जोग्राफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी है नेक्स्ट है ये कोरा परफॉर्म करने जा रहा है नेक्स्ट है यहाँ पर सेतेन जो कि ड्राइवर है ठीक है जो कि कार का ओनर है जिसे ऑथर ने हायर करा है और टूरिस्ट गाइड भी है उनका कि गाइड भी करेगा कार भी लेकर चलेगा छोड़ भी देगा उन्हें ठीक है डेनियल कौन है लासा से बिलोंग करता है इंटरप्रेटर है एंड बेसिकली एक फ्रेंड की तरह मान लो और वो डारचिन तक ही इनके साथ जाता है नॉरबू आगे चलकर चैप्टर के एंड में मिलेगा जो एक और ट्रैवलर है ठीक है तिब्बतीयन वर्किंग है एट एन एकेडमी इन बीजिंग जो आ, कोरा ही करने आया है माउंट कैलाश पे तो ये बिल्कुल लास्ट में हमारे ऑथर को मिलेगा अब यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है तो प्लीज एक बारी ध्यान देना एक बारी यार फटाफट से सारे बच्चे फायर इमोजी स्पैम कर दो फिर आगे बढ़ते हैं ना लास्ट चैप्टर है थोड़ी तो एनर्जी दिखनी चाहिए क्लास में जल्दी-जल्दी जल्दी जल्दी स्पैम कर दो हर्षित ही सुन रहा है बस मेरे को मुझे तो लग रहा है चलो कोमल भी है ओके okay. ठीक nice. so, है वेरी नाइस चलो सो जो प्रोटैगनिस्ट है

तो इनका जो ड्राइवर है ये शॉर्टकट ले लेता है सब लोग कार में बैठ गए सब लोग अब माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं ठीक है थीके? अब ये लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और इनका जो ड्राइवर है वो क्या करते है शॉर्टकट ले लेता है टू द साउथ वेस्ट विच वॉज अ डायरेक्ट रूट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है बोलता है ये शॉर्टकट है और ये डायरेक्टली रास्ता है कहां का माउंट कैलाश का ठीक है अब क्या होता है अब माउंटेन्स पे अगर आपने कभी ट्रैवल करा है तो आपको पता ही है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं गाड़ी ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है फिर ऐसे टेढ़ी मेढी टेढ़ी मेढ़ी जाती है राइट तो वो बोलता है कि भाई बड़े बड़े जो माउंटेन पासिस है वो उन्हें क्रॉस करने पड़े पड़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और वो श्योर करता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमें रास्ते में स्नो नहीं मिली ठीक है क्या रास्ते में अगर हमें स्नो मिली तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी वरना नहीं होगी अब जब वो ट्रैवल करती है तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी दिखाई देते हैं ग्रुप में भी एनिमल दिखाई देते हैं जैसे जब आप भी माउंटेन साइड जाओगे तो बहुत बार आपको यू नो शीप दिखाई देंगी अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखाई देते हैं आ, अब आगे क्या होता है वेन दे रीच दिल दे पास डार्क टेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ टेंट दिखाई देते हैं जहां पर नोमैड्स रहते हैं ठीक है तो बहुत सारे ऐसे रास्ते में टेंट दिखाई देते हैं उन टेंट में कौन रहते हैं नो मै रहते हैं यार ये जो डॉग है ना इसे मैंने असली में देखा ओम माय गॉड अब मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूं। ये है ठीक है और ये मतलब शेर की तरह लगता है पर ये है डॉग और ये बहुत बड़ा है एक्चुअल में हुआ क्या अभी अ, कुछ हफ्ते पहले की बात है तो हम जो को नहलाने लेकर गए थे ठीक है तो आई गेस पता नहीं हो गए कुछ हफ्ते हो गए तो जो को हम लोग बात दिलवाने लेकर गए थे जो मेरी पेट है, है पता होगा। तो, तो, तो बड़ा ही था वो ठीक है तो मैंने देखा यार ये इतना बड़ा डॉग कौन है तो जब हमने ऐसे झुक कर देखा तो फिर हमें बताया गया है अब क्योंकि मैंने क्लास में, में है मुझे पता चल गया वरना मुझे समझ नहीं आती कौन सी ब्रीड है मैंने कहा अरे भाई साहब और दो दो पाल रखे एक ओनर ने बट वैसे वो बहुत काम थे ये लोग जनरली काम होते नहीं है वैसे वो बहुत काम थे इन नेचर में जो जो मेल था वो एग्रेसिव था वो वो फीमेल थी वो काम थी दो थे बड़े बड़े तो भाई बिल्कुल ये भालू शेर की तरह दिखते हैं ठीक है सो so यहाँ पर हम जो नोमैट्स के टेंट थे ना उनके सामने तिबितियन मैस्त ये ऐसे डॉग्स को बाहर उन्हें दिखे जो कि एज अ गार्ड काम करते हैं ठीक है

जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बच्चों इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता ठीक है तो वो लोग ये टेंट वगैरह लेकर चलते हैं ना कहीं पर भी स्टे कर लेते हैं सो so, जैसे ही वो एक घाटी वैली में घुसते हैं दे विटनेस स्नो तो अब उन्हें कुछ स्नो से ढके हुए माउंटेन्स दिखाई देते हैं ठीक है रिवर्स फ्लो हो रही होती है अब आइस के कारण ब्लॉक हो चुकी होती है रिवर्स क्योंकि बीच में यू नो स्नो जमा हो रखी होती है व्हेन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल द टर्न्स बिकेम शार्पर अब धीरे धीरे क्या हुआ आगे रास्ते में चलते चलते जो टर्न्स है ना वो और शार्प हो गए ठीक है तो पहाड़ों पे तो रास्ते ऐसे ही होते हैं कभी सही है, कभी बहुत ही शार्प, छोटे -छोटे से टर्न्स है और जो रोड बिकेम बम्पियर मतलब बहुत सारे पत्थर आने लग गए रास्ते में रुकावटें तो गाड़ी बार बार ही ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है अब थर्ड गियर में गाड़ी चल रही थी ठीक है द प्रोटेगनिस्ट कुड फील द प्रेशर इन हिज इयर्स अब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा थोड़ा कम होगा ठीक है तो जो प्रोटेगनिस्ट है उसे अपने कानों में प्रेशर भी फील हो रहा था He held his nose, snorted to clear the congestion. अब ऐसा होता है ना बहुत बार मैं करके तो दिखा सकती बट ऐसे करके बाहर की तरफ हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा कान वान हमारे खुल जाए वो अपनी रिस्ट वॉच को चेक करता है जिसमें लिखा होता है वो लोग कितनी ऊपर है सो देवर फाइव टू वन जीरो मीटर्स अब सी लेवल ठीक है तो जैसे जैसे वो ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है तो आपने देखा होगा बहुत बार बोलते हैं लोग के यार चॉकलेट वगैरह अपने साथ रखो राइट सो वो अपने फर्स्ट हर्डल में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक रोड मिलता है पूरा स्नो से कवर्ड ठीक है तो वो देखते हैं गाड़ी रुक गई अब आगे देख रहे हैं पूरा का पूरा जो रोड है वो स्नो से कवर्ड है अब सेटेंट क्या करता है स्नो के ऊपर थोड़ी सी डर्ट फेंक देता है मिट्टी फेंक देता है ताकि जब गाड़ी चले तो वो स्लिप ना हो जाए स्नो के ऊपर है ना तो मिट्टी फेंक देता है और बहुत ही आराम आराम से से उस रोड गाड़ी को निकालता है तो फिर से उनकी जर्नी की शुरुआत हो जाती है अब की ना खराब होती है है जैसे मेरा क्या है? मैं हमेशा आई वुड प्रेफर अ बीच ओवर अ माउंटेन एनी टाइम वो अलग बात है कि मैं आज तक गई नहीं हूँ बहुत छोटी सी तो मैं दीव गई थी दमन एंड दीव सुना होगा तो दीव गई थी मैं छोटी थी अपनी फैमिली के साथ तो तब मैंने बीच देखा था है ना अब मेरे सारे दोस्त गोवा होकर आ गए हैं बट मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो जैसा फील होने लगता है मेरा सर चकराने लगता है मुझे दर्द होने लगता है सर में बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है उसका सर ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसके कान बंद हो गए हैं नाक पूरी बंद हो गई है तो वो थोड़ा सा पानी पीता है अपनी वाटर बॉटल से और अभी भी वो क्या कर रहे हैं हिल के ऊपर क्लाइम कर रहे हैं तो अब वो फाइव फाइव वन फाइव मीटर है वो दोबारा से रुकते हैं और इस टाइम वो देखते हैं कि जो फ्यूल टैंक है ना वो थोड़ा सा क्या हो गया कम हो गया फ्यूल भरवाना है है उन्हें अब क्या आफ्टरनून में दो बजे के आसपास वो लंच के लिए रुकते हैं अभी तक जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है उनका सर दर्द थोड़ा सा ठीक हो चुका है बाय लेट आफ्टरनून वो एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम होता है होर ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम है हॉर एच ओ आर अब दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन दोबारा से हाईवे पे पहुंच जाते हैं इट वॉज दी ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर ठीक है पुराना पुराना रूट था ये अब डेनियल क्या है यही पर उतर जाता है और वो लहासा के लिए दोबारा से क्या करता है लिफ्ट ले लेता है

साढ़े दस बजे के आसपास दिस स्टॉप डेटा गेस्ट हाउस तो वो डार्चे पहुंच जाते हैं डार्चे एक जगह का नाम है तो वहां पर एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं कि रात हो गई है हम सुबह अपनी जर्नी को रिज्यूम करेंगे तो प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है ठीक है नोज कंजेशन हो जाता है यानी कि बहुत ज्यादा जुकाम नाक ऐसे बिल्कुल बंद हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन ऑल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर तो वो पूरी रात सो नहीं पाता जगह रहता है है ना उसे ऐसे लगता है अगर मैं लेट गया तो शायद मैं मर जाऊंगा नेक्स्ट मॉर्निंग जो ड्राइवर है वो उसको तिबित मेडिकल कॉलेज लेकर जाता है डॉक्टर के पास दवाई दिलवाने के लिए जो उसको दिन दिन की की में दवाई दवाई देते हैं। अब एक दिन की दवाई लेने के बाद ही को बहुत अच्छा फील होने लगता है And उसके बाद जब ड्राइवर को लगता है कि ठीक है ओके तो यहीं तक की उसकी बात हो रखी थी वो वापिस चला जाता है, The protagonist was at तो अभी जो हमारे है वो बच्चों डारचिन में रुके हुए हैं अब यहाँ पर जगह पर एक जनरल स्टोर है जहाँ पे चाइनीज सिगरेट्स सोप हो गया बाकी की जो चीजें हैं वो अवेलेबल है आफ्टरनून में जो मैन है वो एक यू you नो know, छोटे से कैफे में एक टेबल पे गैदर हो जाते हैं पूल वगैरह खेलते हैं जो औरतें हैं वो अपने हाथ ओ, बाल वगैरह धोती हैं कपड़े वगैरह धोती है एक नैरो सी स्ट्रीम होती है नदी टाइप की होती है वहां पर अब दार्चिंग की एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर इस टाइम पर पिलग्रिम्स नहीं थे जो हमारे ऑथर है वो बहुत जल्दी आ गए थे तो कोई भी पिलग्रिम नहीं था

ठीक है सो अभी क्या होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती किसी से बात नहीं कर सकता मैं बहुत अकेला हूँ और तभी वो कैफे में ओनली कैफे क्यों लिखा है क्योंकि वहां एक ही कैफे था तो कैफे में वो एक इंसान से मिलते हैं जिसका नाम होता है नॉर्बू याद रखना ये एक तिब्बितियन होता है तिब्बत से ही बिलोंग करता है बीजिंग में आ, काम कर रहा हो, होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में

मान लो एक जगह तो तो हम लेंगे हमारा लगेज उठाने के लिए। इतना मोटा है लगेज उठाएगा चलेगा कैसे पता नहीं सो so, नॉर्बू फाइनली साइड मेरे से तो अभी एक भी, भी मोमेंट नो चला नहीं जा रहा है मैं तो टेबल पर ही गिरने वाला हो रहा हूँ और दोनों बहुत ज्यादा तेजी से हंसने लगते हैल्सो टू बिग तो ये इनकी पूरी स्टोरी थी इन्होंने कोरा परफॉर्म किया नहीं करा उसके बाद इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे यहां पर नहीं दे रखी क्लियर हो गया इज इट ओके एक बारी प्लीज फटाफट फड़ से बता दो ठीक है अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे So, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाया है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पी में डाल दिए हैं ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर देने वाली हूँ आज आज मैं आपको ये पी मिल जाएगा ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन uh, uh, में पहले नंबर पर ही टेलीग्राम का लिंक है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपको सारे ही चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे इसी के अंदर आपको एनसीआर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ठीक है? प्रीवियस ईयर इन सेंस जो बार बार पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे तो अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड करा है चैप्टर्स को अच्छे से समझा है और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देख लेते हैं पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो हो जाएगा अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप समरी समरी देखकर क्वेश्चन आंसर सोच रहे हो खुद से लिखा हूं तो नहीं होगा आपको एक बार बैठ के तो क्वेश्चन आंसर्स को याद करना पड़ता है रीड करना पड़ता है सो so दैट आपको वोकैबलरी थोड़ी सी समझ में आए एडजेक्टिव्स याद हो वर्ड पता हो आप अच्छी वोकैबलरी में आंसर लिखकर आ सको ठीक है ठीक है हाँ आधे चैप्टर्स में एंडिंग ही गायब जैसे ट्यूट वाले चैप्टर में भी इन्होंने अच्छे से एंडिंग नहीं दी सिल्क रोड में भी हमें अच्छे से एंडिंग नहीं दी तो ये लोग करते हैं अब हम क्या कर सकते हैं ठीक है सो so, टेलीग्राम नहीं है तो बेटा इंस्टॉल कर लो उसके पैसे नहीं लगते हैं और अगर आप टेलीग्राम पे कुछ फालतू चीज़ें नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे क्योंकि टेलीग्राम एक एजुकेशनल चीज़ के लिए यूज़ होता है आजकल हर जगह है ना फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता है तो वो आपके ऊपर है आपको अच्छे से यूज़ करना है क्या नहीं उसके पैसे नहीं लगते आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चैनल ज्वाइन करिए वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्योंकि ऐसे हर एक बच्चे को पर्सनली पीडीएफ देना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो सो so, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर का पी आपको मिल जाएगा बाय सिक्स पी ठीक है जी आपकी जो ग्रामर की और राइटिंग की क्लास है वो होगी आपकी परसों अराउंड थ्री पी एम पोम्स पोम्स मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड जो मैं रिकॉर्डेड डालूंगी उसमें तो मैं इंक्लूड करूंगी बट इसमें मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी है मैं आपको बता देती हूँ दिखा देती हूँ ताकि यू you नो know, आपको भी डाउट uh, ना रहे तो अगर आप लोग चैनल पर जाएंगे एक सेकेंड ठीक है तो अगर आप लोग यहां पर चैनल पर जाएंगे अगर आप लाइव पे जाएंगे तो अभी चार दिन पहले ही मैंने आपको सारी की सारी क्लास इलेवेंथ की पोम्स कराई है ये दी ये देखो चार दिन पहले ही मैंने आपको कराई है ये रही ठीक है सो ऑल क्लास इलेवन पोम्स इन वन क्लास इसीलिए मैंने वो आज की क्लास में नहीं डाली क्योंकि मैंने चार दिन पहले करा ही कराई है तो आप लोग यहां से सारी पोम्स कर सकते हो सारे चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए क्वेश्चन आंसर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सो आई होप दैट लिटरेचर पार्ट इज सॉर्टेड क्लियर है सभी बच्चों को परसों में लगातार बोल रही हूँ अभी आपको इवेंट भी दिखने लगेगा जैसे ये अपकमिंग अपकमिंग दिख रहा है ना ये कल रात को बैठ के मैंने किया था तो आपका इवेंट भी अभी आपको यहीं पर दिखने लगेगा आप रिमाइंडर सेट कर लेना आज ही दिख जाएगा तो परसों आपकी क्लास होगी ग्रामर की और राइटिंग सेक्शन की पूरा का पूरा ठीक है और हिस्ट्री का लेक्चर भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है यार मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मैं आज ट्राई करूंगी कि मैं आज ही रिकॉर्ड कर दू हिस्ट्री का लेक्चर अभी कर दू थोड़ा एक घंटे का ब्रेक लेने के बाद आठ बजे मेरी टेंथ के साथ क्लास है तो उससे पहले ही मैं रिकॉर्ड कर दू यही मैं ट्राई करूंगी एंड कल मैं हो सकता है पूरी पूरी कोशिश है मेरी कि कल मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर भिजवा दूँ ठीक है Uh, सारी की सारी पी डी एफ आपको uh, मिल जाएगी ये वाली पी तो अभी भेज दूंगी मैं आपको आधे घंटे के अंदर और जो क्वेश्चन आंसर्स वाली पी है उसमें एनसीआर के और एड करके मैं आपको भेज दूंगी छः बजे तक ठीक है जी सो दैट्स इट फॉर टुडे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी मैं आपसे मिलूंगी परसों की क्लास में ठीक है जी और ये मैं आपको पोम्स वाला ये वाला लेक्चर कंबाइन करके और पोम्स का कंबाइन करके भी वीडियोस वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगी कल ठीक है